ओके, गुड आफ्टरनून एवरीवन। अबे गुड आफ्टरनून बोलो। ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मेरा तो इंट्रोडक्शन हो गया था, लेट मी इंट्रोड्यूस टू द स्पेसिफिक पर्सन जो अभी आपको डीटी पढ़ाने वाले हैं, ठीक है। मैं दर्शन खरे, ये विजय सारडा, और वी स्मार्ट में टेंटेटिवली जब स्टार्ट हुआ था तो मैं और विशाल सर थे, और 9 साल से मैं वी स्मार्ट में हूँ और पिछले 5 ईयर्स से विजय सर वी स्मार्ट में है। He is also a faculty for CA Final Direct Access. We have at least ensured कि जितने भी faculties आपके सामने रखे वो maximum CA Final के हो, और ये भी आपको उसी level पर पढ़ाएंगे जो आपको CA Final पर जाने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। Awesome teacher है, तुमको ये पीछे अगले 2-3 घंटे में पता चल जाएगा। दूसरा मेरा ये कहना है कि थोड़ा सा बच के रहना, क्योंकि थोड़ा सा बच के रहना। बहुत अच्छा पढ़ाते, मतलब जब मैं और विशाल सर हम दोनों पढ़ाते थे तो डायरेक्ट एक्सेस के लिए हम बहुत तूफान पर्सन ढूंढ रहे थे जो एक्चुअली इस बल्कि सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से हैंडल कर पाए, एंड आई गेस वी हैव फाउंड अ राइट गाय, एंड आई गेस यू हैव ऑल्सो फाउंड अ राइट गाय। सो नियरली अभी तक का कोरम काफ़ी अच्छा है, इन्होंने टेंटेटिवली बहुत लंबी चौड़ी बैचेस भी उठाई है 400-500 बच्चों तक के, और कोने में बैठा हुआ बच्चा सबसे ज़्यादा फेवरेट होता है इनका, खास करके लास्ट बेंचेस भी, तो बहुत अच्छे तरीके से ध्यान देना और पढ़ लेना, बाकी तो आपको पता चल ही जाएगा अगले 3 घंटे में। सो ओवर टू विजय सर, आई विश हिम द बेस्ट फॉर द बैच एंड थैंक यू सो मच फॉर इंट्रोडक्शन सर। थैंक यू सो मच। इन्होंने बल्कि क्यों बोला समझा ना? ओके मालिक, गुड आफ्टरनून। हाँ तो हो गया, बहुत सुबेरे से परेशान हो गए होंगे जीवन में, सुबह उठ के आए थे, जिस दिन सीपीटी पास हुआ था लगा था आप तो, फिर आज सुबेरे से बैठे, बहुत दिनों बाद आदत आई होगी ना, स्पेशली वो टाइम पे आए हो जिस टाइम पे मस्त खाना हो चुका है, ठंडी ठंडी हवा, नया नया क्राउड, बहुत अच्छा लग रहा होगा, आंखों को सुकून मिल रहा होगा। अरे मेरा मतलब हद नालायक पहले ही दिन। अरे भाई साहब एक बात समझिए, आई एम रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट आई सेड नॉट व्हाट यू अंडरस्टूड, ठीक है। अच्छा सबसे पहली बात, मैं आपसे आज पहले दिन एक कमिटमेंट करना चाहता हूँ, मेरे तरफ से कमिटमेंट ये है कि पूरे दिन का सबसे बेस्ट लेक्चर ये होगा। क्या बोल रहा हूँ मैं, पूरे दिन का सबसे बेस्ट लेक्चर ये होगा। ऐसा हो सकता है कि पूरे दिन तुम सिर्फ इस लेक्चर के लिए वेट करते रहो, ठीक है। हाँ तो यहाँ सब कुछ है, सब कुछ होगा, सब कुछ को मैं क्लियर कर दूंगा, ठीक है, और बिल्कुल चिल मारो, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत बहुत इजी सब्जेक्ट है, बहुत सिंपल सब्जेक्ट है। मैं आपको सबसे पहले बता दूँ, आई एम CA विजय सारडा, बाकी की बातें आपको ओवर द पीरियड ऑफ टाइम पता चल जाएगी। मैंने बी कॉम किया है, बी कॉम मैन डिग्री है,
रात भर पढ़ना पड़ता है. सो मैंने बीकॉम किया है, मैंने सीए भी किया है, मैंने सीएस भी किया है, और मैं आईएएस प्रीलिम्स क्रैक कर चुका हूँ. मैं आधा एलएलबी भी हूँ, आधा इसके लिए क्योंकि मैं पढ़ने गया, दो सेमेस्टर दिए, दो सेमेस्टर देने के बाद वो बोलते सिलेबस चेंज. मैंने बोला नहीं चाहिए. अरे वापस से कौन देगा? अरे भाई अपना कैपेसिटी नहीं होता. सो वो चेंज. तो ये सारी चीज़ें, बाकी चीज़ें आपको पता चल जाएगी लेक्चर के दौरान. अच्छा जी, तो मुझे एक बात बताइए, कितने लोग यहाँ पे सीपीटी से? ओ माँ कसम, फाउंडेशन वाले कितने? ठीक, कोई बात नहीं बेटा, तुम लोग बहुत लकी हो. चालू करें? पढ़ने का मूड हो रहा है आज? नहीं हो रहा ना, क्या करूँ फिर? गाना वाना गाओ, डांस डांस, मस्त केच करने का. मैं अभी उनको बोला इज बाहर, एक काम करो गजरा वजरा भी दे दो, बराबर है, थोड़ा सा वो गुलाब जल वगैरह भी दे दो, और नोट देना एक एक की गड्डी, एक हाथ सेक्शन पड़ा है, मस्त एक नंबर. सो लेट अस स्टार्ट. आई एम सी विजय सारडा. मैं सी ए फाइनल डायरेक्ट टैक्सेस भी लेता हूँ, इंटरनेशनल टैक्सेस भी लेता हूँ, और इंटर भी ले रहा हूँ. राइट, टीचिंग एक्सपीरियंस के हिसाब से ये 9th ईयर है, और नंबर ऑफ बैचेस अब मेरे को भी मालूम नहीं कितने हो गए. राइट, ये जो लेक्चर हम लोग ले रहे हैं ये किसके लिए रिलेवेंट है? ये लेक्चर जो हम ले रहे हैं ये May 20 एंड November 20 दोनों के लिए रिलेवेंट है. क्लियर है? जो इंटर लेवल के स्टूडेंट है किसी भी प्रोफेशनल स्टडीज में वो इसको देख सकते हैं. रजिस्टर वजिस्टर लाए हो निकाल के बाहर रख लो, बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है. रजिस्टर वजिस्टर लाए हो तो निकाल के बाहर रख लो, बहुत ज़रूरत पड़ने वाली है. डन. सर ये लेक्चर का टाइमिंग क्या होगा? आपको आपके सीनियर ने बताया इस लेक्चर का टाइमिंग क्या होता है? कितना बोला है? 2 से 6:30. आपको लगता है मैं ऐसा कर सकता हूँ? ऐसा मैंने आज तक नहीं किया, ये अफवाह है. ये सुनो, सो एक बात समझ के रखिए, मैं इसे 5 तक बोल रहा हूँ, माइंड भी 5:15 तक ये हो सकता है. ठीक है, जब भी लेक्चर होगा अराउंड 4 बजे के करीब मैं आपको एक ब्रेक दूंगा, टी ब्रेक, एंड देन अगेन विल स्टार्ट. तो ऐसा नहीं है 3.5 घंटे बिल्कुल चलता ही रहेगा, न मेरा ये मोटो है, ना हम ऐसा करेंगे. ठीक है, और उसके बाद आई थिंक सेल्फ स्टडी प्लान आपको दर्शन सर ने बताई दिया होगा. चलिए सो स्टार्ट करते हैं. साहब सबसे पहली बात, हम लोग पढ़ने क्या जा रहे हैं? इनकम टैक्स. मैं DT का पोर्शन लेता हूँ एंड द ग्रेट विशाल सर GST का पोर्शन लेते हैं. GST विशाल सर ऑलमोस्ट कई सालों से पढ़ाते हैं, ही इज एक्सपर्ट इन दैट, एंड मैं DT का पोर्शन लेता हूँ. क्या आपको पता है DT और GST कितने मार्क्स के लिए मालिक? कितना? 60-40. परफेक्ट. DT इज फॉर 60 एंड GST इज फॉर 40 मार्क्स. अच्छा पता है कुछ MCQ भी है इसमें? कुछ आइडिया है MCQ भी है इंटर में? हाँ, सब MCQ है. DT एंड IDT एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें मालिक MCQ भी है, एंड 30% इज MCQ. सो टेंटेटिवली 100 में से 30 मार्क्स विल बी MCQ, उसका 60% अराउंड यहाँ पे MCQ आएंगे ही आएंगे. तो सर पहला सवाल, क्या आप हमें MCQ लेंगे? हाँ, सिलेबस का पार्ट है, लेना पड़ेगा. अच्छा सर अमेंडमेंट्स आएंगे? आपका जो लेक्चर है वैसे ये पूरा का पूरा अमेंडमेंट चल रहा है, और ड्यूरिंग द लेक्चर आपको बाकी चीजें पता चलेगी. बट यहां चालू करते हैं एकदम बेसिक से, एकदम जीरो से, क्योंकि पहली बार तुम लाइफ में इनकम टैक्स पढ़ने जा रहे हो. पे आज तक बहुत बार किया होगा पर इनकम टैक्स तुम पहली बार पढ़ने जा रहे हो. आखिर ये वर्ड होता कहां से? कौन वो था जिसने हमारे जिंदगी में ये तकलीफ लाई? अरे कोई तो होगा. आखिर ये आया कहां से, कहां को जाएगा? कुछ तो होगा ऐसा जो इनकम टैक्स के बारे में पता करना पड़ेगा. आइए सबसे पहले समझते हैं हिस्ट्री. राइट, आपका पता नहीं पर मैं बड़ा एवरेज बच्चा हूं, मेरे को धीरे धीरे और प्यार से आना बड़ा पसंद है. सबसे पहले हम बात करते हैं हिस्ट्री ऑफ इनकम टैक्स. आखिर ये आया कहां से, पहली बार किसने लाया, क्यों लाया, किस तरीके से इसे अप्लाई किया जाता है और क्यों अप्लाई किया जाता है, क्या मुझे भी इनकम टैक्स देना है, इन सारी बातों का जवाब आज के लेक्चर में मिल जाएगा. राइट सर, सबसे पहली बात, इनकम टैक्स पहली बार कहां रेफर किया गया था? सर हैव यू हर्ड अबाउट अ पर्सन कॉल्ड एज चाणक्य? यस. सो सर सबसे पहली बार जब अर्थशास्त्र लिखा गया था, द इकोनॉमिक्स इन द करंट एरा, जब अर्थशास्त्र लिखा गया था पहली बार इस वर्ड को यूज किया गया था, उस टाइम इसे कर के नाम से यूज किया जाता था. क्या था बेटा? कर, दैट इज टैक्स. राइट, सो इन इंडिया टैक्सेस वेयर लेविड इवन इन द एंशियंट टाइम्स
एज इज मेंशन्ड इन अर्थशास्त्र, ये शुरुआत से था। और सर इसे पहली बार किस तरीके से लागू किया गया था, सर अगर मैं आपको बताऊं, कालिदास इन रघुवंश पहली बार इस वर्ड को रेफर किया राजा को कुछ कहते हुए। राजा बैठे हुए थे राइट, और कालिदास आते हैं, कालिदास बोलते हैं कि सर हमें एक नया कर लगाना होगा। राजा, क्या लगाना होगा? सर हमें करना होगा। आप क्या कह रहे हैं हमें समझ नहीं आ रहा, कृपया इलेबरेट कीजिए। हेलो हाँ सर हमें इलेबरेट कीजिए। तो उन्होंने कुछ इन वर्ड्स में इलेबरेट किया। सभी लोग मेरे साथ एक बार स्क्रीन पे जो लिखा है इसे जोर से पढ़िए। इट इज ओनली, अरे इट इज ओनली, हेलो तो साहब बड़े बुजुर्ग कह गए हैं कुछ अच्छा करने जाओ और प्रॉब्लम आए तो अच्छी बात है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जो कालिदास जी थे, कालिदास जी ने कुछ इन तरीकों में समझाया, हम भी समझते हैं। एवरीबडी रीड विद मी, और जितना बोल रहा हूं उतना रीड कर दे। इट इज ओनली फॉर द गुड ऑफ हिज सब्जेक्ट दैट ही कलेक्ट टैक्सेस फ्रॉम देम Just as sun draw moisture from earth. सर देखिए होता क्या है, बारिश किस तरीके से आती है, वो सबसे पहले यहाँ का जितना पानी है उसे सोख लेती है, evaporation process, and again give it back to you as services. आप सोच के देखिए सर, बचपन से लेके आज तक आपने इतनी गवर्नमेंट की सर्विसेज यूज की, आपने रोड यूज किए, डैम यूज किए, पोर्ट्स यूज किए, रेलवे स्टेशन यूज किया, कभी किसी ने आपसे आके ये कहा भाई और बहनों आपने सड़क यूज की है आपको टैक्स देना होगा? कभी किसी ने आपसे ऐसा कहा मुझे बस 10 मिनट के लिए पीएम बनाइए, ऐसा रोड बनाऊंगा यहां से टैक्स डाले वहां से निकलेगा? कभी किसी ने आपसे ऐसा कहा? नहीं। आपको ये सर्विसेज बचपन से मिली, कभी सोचा ये सर्विसेज आई कैसे, किसने दी? सरकार बस इसी तरीके से वर्क करती है। सरकार क्या करती है, लोगों से टैक्स कलेक्ट करती है, और ये जितना टैक्स इसने कलेक्ट किया ये अलग अलग सर्विसेज बनाने के लिए यूज किया जाता है। सर अलग अलग सर्विसेज, रोड्स बनाने के लिए, डैम बनाने के लिए, ब्रिज बनाने के लिए, पोर्ट्स बनाने के लिए, एयरपोर्ट्स बनाने के लिए, आर्मी ऑफिशियल्स के पेमेंट करने के लिए, आर्म्स एंड एमिनिटीज खरीदने के लिए, इन सभी के लिए इन पैसे का यूज किया जाता है। यानी अगेन जस्ट एज सन ड्रॉ मॉइस्चर फ्रॉम अर्थ एंड अगेन गिव इट बैक एज रेन, बिल्कुल उसी तरीके से ये आपसे ही पैसे लेते हैं और आपको सर्विसेज के नाम पे वापस देते हैं। अच्छा सर, तो हम ये तो समझ गए कि प्राचीन काल से ये आया है, पर इंडिया में इस वर्ड को किसने लाया, या पहली बार टैक्स नाम का वर्ड किसने इंट्रोड्यूस किया? बेटा टैक्स इज अ लैटिन वर्ड टैक्सो, टैक्स इज अ लैटिन वर्ड टैक्सो विच मीन्स रेट ऑफ टैक्स। लैटिन के लोगों को दो ही काम था, दूसरा था वर्ड बनाना। सर सो टैक्स अराइज फ्रॉम अ लैटिन वर्ड, क्या बेटा? टैक्सो विच मीन्स रेट। तो पहली बार लैटिन के लोगों ने इस वर्ड को इजाद किया और नया वर्ड लेके आया टैक्स। रजिस्टर लायो, लिखना शुरू करो। लिखो सबसे पहले बेसिक्स ऑफ टैक्स, बेसिक ऑफ टैक्स, जितना बोलो उतना ही लिखना। सबसे पहले ये पॉइंट लिखो, टैक्स अराइज फ्रॉम अ लैटिन वर्ड टैक्सो, टैक्स अराइज फ्रॉम अ लैटिन वर्ड टैक्सो
विच मीन्स रेट ऑफ टैक्स. डन मालिक? सर वो सब तो ठीक है, अर्थशास्त्र में यूज हुआ था, लैटिन ने लाया था, इंडिया में कब से आया? देखिए इंडिया में एक्ट 1961 ऐसा कहा जाता है, इनकम टैक्स एक्ट 1961, बट क्या इंडिया में एक्ट 1961 से आया? आंसर इज नो. इंडिया में 1961 से भी पहले एक्ट हुआ करता था, 1922. कब हुआ करता था बेटा? 1922. पर 1922 के एक्ट को हटा करके 1961 का लेके आए. पूछो ना क्यों, प्यार से पूछो क्यों. वो इसलिए क्योंकि जब 1922 का एक्ट बना उस टाइम पे ब्रिटिश गवर्नमेंट का राज था, हर जगह पे ब्रिटिश पार्लियामेंट वर्ड यूज किया गया था, जबकि 1947 में हम हो गए थे आजाद. अब आजाद भारत को अपना खुद का एक्ट चाहिए था, और वो चाहिए था 1947 के बाद. एंड हेंस 1961 वो ईयर था जिस टाइम पे हमने 1922 के एक्ट को रिप्लेस करके नया एक्ट लेके आ गए, 1961. सो क्या 1961 में पहली बार इनकम टैक्स आया? आंसर इज नो, 1922. सो अगर देखा जाए तो कुछ हिरार्की ऐसी थी, सबसे पहले आया था इनकम टैक्स एक्ट 1922, इसको चेंज करके लाया गया इनकम टैक्स एक्ट 1961, एंड रूल्स लाए गए इनकम टैक्स रूल्स 1962. बड़ा ध्यान से देखिएगा आज का लेक्चर, एक्ट 1961, रूल्स 1962. ये एक सवाल है जो आपके मन में आना चाहिए कि एक्ट 1961, रूल्स 1962, ऐसा क्यों? आज का लेक्चर के एंड से पहले इसका जवाब मिल जाएगा. सवाल क्या है, वापस एक बार सवाल सुनिए सभी लोग. एक्ट 1961, रूल्स 1962, ऐसा क्यों? तो डिस्कस करेंगे आज ही कुछ. पर सबसे पहले एवरीबॉडी, एक्ट कब आया? 1922. फिर इसको रिप्लेस करके क्या लाए? 1961. और रूल्स लेके आए 1962. क्लियर है मालिक? लिखो ये भी. So, 1961 के एक्ट ने पहले वाले एक्ट को कर दिया रिप्लेस. फिर आए रूल्स 1962 में. ये क्यों? इसका जवाब आज मिलेगा. डन मालिक? आगे बढ़ते हैं. सर वो सब तो ठीक है, एशियन टाइम्स में था, लैटिन में लाया था, इंडिया में एक्ट बनाया. ये बताओ लाया किसने? कहीं मिल जाए तो. लाया किसने ये बताओ? सर वो व्यक्ति था सर जेम्स विल्सन. सर जेम्स विल्सन ने पहली बार इंडिया में टैक्स नाम की चीज लाई. टैक्स नाम की चीज को लगाया गया लीगल फॉर्म में. हालांकि लगता एशियन टाइम से था, लेकिन लीगल फॉर्म में पहली बार एक्ट बनाने का श्रेय या उसे वर्ड को कॉइंड करने का श्रेय इंडिया में जाता है सर जेम्स विल्सन को. किसको बेटा? जेम्स विल्सन. और वो भी लाया था 1860 में. अब पूरी हिस्ट्री रिकॉल करके सुनते हैं. 1860 में पहली बार जेम्स विल्सन ने ब्रिटिश गवर्नमेंट के सामने रखा कि हमें टैक्स नाम की चीज वसूलना चाहिए. लगान मूवी देखी थी? हमें टैक्स नाम की चीज वसूलना चाहिए. 1860 से कई बार डिस्कशन होते 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 पहली बार बिजनेस पार्लियामेंट के अंदर में 1922 में एक इंडिपेंडेंट एक्ट बना. 1947 में मिली आजादी और 1961 में बना नया एक्ट, इंडिपेंडेंट इंडिया का अपना खुद का एक्ट. ये था इसका कंप्लीट हिस्ट्री. सो जीरो से चालू करता हूं. सबसे पहले एशियन टाइम्स में इंडिया में ये यूज होता था. लैटिन वालों ने पहली बार इसका वर्ड निकाला टैक्सो. 1860 में ये इंडिया में आया सर जेम्स विल्सन. फिर 1922 में पहली बार इनकम टैक्स का एक प्रॉपर एक्ट बना और इस एक्ट को रिप्लेस किया गया 1961. ये तो था पास्ट से लेके प्रेजेंट.
फ्यूचर भी बता देता हूँ। इसका फ्यूचर ये है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट सोच रहा है कि DTC लेके आएंगे। अब आप ये पूछेंगे DTC मतलब क्या है, डायरेक्ट टैक्स कोड। मैं अगर मोदी गवर्नमेंट के बारे में आपको बताऊं करंटली, तो कुछ 40 दिनों के अंदर इन्होंने 32 लॉ बदल दिए जब से ये गवर्नमेंट फॉर्म हुई है। पिछले 40 दिन में इनने 32 लॉ बदल दिए और पूरा राज्यसभा अपने 105% की एफिशिएंसी पे काम कर रहा है। और ये प्रपोज्ड है कि इनकम टैक्स को भी रिप्लेस करेंगे और नया एक्ट लेकर के आएंगे, DTC डायरेक्ट टैक्स कोड, ये नया एक्ट लेके आएंगे। सर मग आमचा सिलेबस बदलला तो भिऊ नको, मैं तुझा समोर उभा है, डरो मत मैं खड़ा हूं। ये प्रपोज्ड है, पहले बिल बनेगा, बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट में जाएगा, फिर एक्ट बनेगा। ये फ्यूचर की बात चल रही है कि फ्यूचर में ऐसा होने वाला है, हुआ आप लोग के सिलेबस के लिए यही है। क्लियर है मालिक? सो अगेन, सबसे पहले एशियन टाइम्स में था, अरे हाँ या हाँ हाँ, इसके बाद लैटिन ने वर्ड निकाला, क्या निकाला बेटा, टैक्सो। इंडिया में किसने लाया, जेम्स विल्सन, पहली बार एक्ट बना इन द ईयर 1922, इंडिपेंडेंट ईयर 1961। ये लाइन एक और लिखो, इनकम टैक्स वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया, इनकम टैक्स वॉज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया इन 1860 बाय ब्रिटिश रूलर जेम्स विल्सन। इज दैट डन? चलिए, तो अब तक बेसिक्स हम लोगों ने लिख लिए, अब बढ़ते हैं आगे। सर पेपर में जाने से पहले यह पता होना जरूरी है कि बॉस पेपर पैटर्न क्या आने वाला है, ये सुनो। कुछ भी क्रिया करने से पहले आपको पता होना चाहिए वो होने कैसे वाला है। सर पेपर पैटर्न में आपको समझा दूं, दिस विल बी द फोर्थ पेपर इन ग्रुप वन, दिस विल बी द फोर्थ पेपर इन ग्रुप वन। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, आपको DT और IDT के लिए सेपरेट पेपर्स मिलते हैं सॉल्व करने के लिए, यू डोंट नीड टू सॉल्व इन अ सिंगल पेपर शीट। इसका आंसर शीट अलग होता है, इसका आंसर शीट अलग होता है। एक बात जो बहुत अच्छे से ध्यान में रखना, क्योंकि दो बच्चे मेरे को ऐसे मिले जिनने ये गलती कर दी, उन्होंने IDT के पेपर में DT सॉल्व कर दिया, DT के पेपर में IDT सॉल्व कर दिया। ये बात बिल्कुल समझ के चलना, DT और IDT का आंसर शीट अलग होगी, पेपर एक ही आएगा, आंसर शीट अलग होगी और दोनों को अलग अलग लिखना पड़ेगा। जनरली कितने क्वेश्चन सॉल्व रहते हैं सर उसके अंदर में? बेटा एज फार एज DT इज कंसर्न, राइट, एज फार एज DT IDT इज कंसर्न, जरा समझिएगा, मैं सिर्फ DT के बारे में बता रहा हूँ, IDT के बारे में आपको विशाल सर बताई देंगे। एज फार एज 60 मार्क्स इज कंसर्न, आपको 6 क्वेश्चन आएंगे, कितने क्वेश्चन आएंगे बेटा, 6। इसमें से क्वेश्चन नंबर 1 जो रहेगा ये हमेशा कंपलसरी रहेगा, क्वेश्चन नंबर 1 विल ऑलवेज बी कंपलसरी, इसको सॉल्व करना ही है, ये आएगा 10 मार्क के लिए। और बचे हुए जितने क्वेश्चन है 5, राइट, इसमें कोई भी एक क्वेश्चन विथ ऑप्शन दे दिया जाएगा, कोई भी एक क्वेश्चन क्या कर दिया जाएगा, विद ऑप्शन दे दिया जाएगा, राइट। सो सर इस तरीके से आपको ये पूरे मार्क्स का डिवीजन होने वाला है, क्या ये लिखने की जरूरत है? नहीं, सिर्फ इंफॉर्मेटिव पर्पस था, पेपर इस तरीके से आएगा। अच्छा सर, सर एक और बात बताइए, इनकम टैक्स का बेसिस क्या है, कैसे लगता है इनकम टैक्स, व्हाट इज द बेसिस ऑफ टैक्सेशन इन इंडिया? बेटा इनकम टैक्स इज ऑलवेज ऑन प्रोग्रेसिव बेसिस, कौन से बेसिस पे बेटा, प्रोग्रेसिव बेसिस। अब आप ये पूछेंगे सर प्रोग्रेसिव बेसिस मतलब, प्रोग्रेसिव बेसिस का मतलब होता है बेटा हायर द इनकम हायर द टैक्स। वापस से बोलिए, प्रोग्रेसिव बेसिस मतलब हायर द इनकम हायर द टैक्स। सर इसका क्या मीनिंग होता है, जितना ज्यादा इनकम कमाते जाओगे टैक्स उतना ज्यादा देना है। टेक्निकली कॉन्सेप्ट वर्क करता है रॉबिन हुड पांडे जैसा, किसके जैसा, अमीरों से लो गरीबों को दो, जो ज्यादा कमा रहा है वो ज्यादा पे कर सकता है, गेटिंग इट और नॉट। तो ये एक MCQ है, इनकम टैक्स रिग्रेसिव बेसिस पे लगता है या प्रोग्रेसिव बेसिस पे लगता है, प्रोग्रेसिव बेसिस पे, राइट डाउन दिस ऑल्सो, बेसिक्स में ही लिखना है। इनकम टैक्स इज बेस्ड ऑन प्रोग्रेसिव टैक्सेशन,
इनकम टैक्स इज बेस्ड ऑन प्रोग्रेसिव टैक्सेशन. सो इनकम टैक्स किसके बेसिस पे है मालिक? प्रोग्रेसिव टैक्सेशन के बेसिस पे है. तो यहां तक के अब तक हमने क्या पढ़ा? यहां तक के हमने पढ़ा इनकम कैसे आता है, टैक्स किस तरीके से लगता है, उसका बेसिस क्या है. पर सर मैं बहुत एवरेज बच्चा हूं, मैं पहली बार टैक्स पढ़ रहा हूं, मेरे को एकदम जीरो से पढ़ना है, एकदम जीरो से. मैंने बोला ओके पढ़ते भाई एकदम जीरो से. आपने अब तक की जिंदगी में कई वर्ड पढ़े हैं. इनकम टैक्स इज अ लॉ, और लॉ पढ़ने से पहले कुछ चीजें बहुत जरूरी है, ठीक है. इट्स अ कैडबरी 5-स्टार क्वेश्चन. एनीबडी हु गिव्स द आंसर विल गेट दिस कैडबरी 5-स्टार. दूसरी इंपॉर्टेंट बात, ऐसा लेक्चर में चलता रहेगा, इसमें मूवी टिकट भी मिलेगी सिंगल. मैं तुम्हारी कपल मूवी टिकट मैं दू. कमाल करते तो सब मिलेगा, बट आपको जवाब देना है. जिससे पूछो उसने जवाब दे देने का. बेटे ट्राई करोगे? हाँ वहीं बैठे रहो, चिल. अपन बड़े हो गए, छोटे नहीं अपन. रीड करो क्या लिखा है. हाँ सेक्शन रीड करो. सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 हाँ पार्ट 2 पार्ट 3 भाई रीड कर. सेक्शन 2 हाँ सबसेक्शन 1 हाँ सबसेक्शन 2 हाँ सेक्शन 2 सबसेक्शन 1 क्लॉज 2 सब क्लॉज 3 एकदम परफेक्ट. 100 मार्क्स का लॉ और क्या? 100 मार्क का लॉ पढ़ा सीपीटी फाउंडेशन. सेक्शन रीड करते नहीं आता मालिक अपने को, और अपने को क्या पढ़ना है? सीए इंटर. पहले सेक्शन रीड करना सीखो एवरीबॉडी. हाउ टू रीड द सेक्शन आज से सीखो एकदम जीरो से. सबसे पहले क्या होता है बेटा? सेक्शन. सेक्शन के बाद क्या होता है? सबसेक्शन. सबसेक्शन के बाद क्या होता है? क्लॉज. क्लॉज के बाद क्या होता है? सब क्लॉज. दिस इज हाउ यू रीड द सेक्शन. मैं चाहता तो पहले दिन आके आपको डायरेक्ट पढ़ा देता सेक्शन 1, चलो चालू करो. बेसिक ही नहीं पता तो मजा नहीं. और अपना फंडा क्लियर है, पढ़ो तो हद कर दो वरना प्रोग्राम रद्द कर दो. चलो आजा मेरे मालाल. हाँ जी बोलो. सबसे पहले क्या रीड करते बेटा? सेक्शन. सेक्शन के बाद सबसेक्शन, उसके बाद क्लॉज, उसके बाद सब क्लॉज. इनकम टैक्स में कितने सेक्शन है? चिल्लर रजिस्टर क्वेश्चन. रफ आइडिया, रफ रफ 470 एक जवाब. अरे कुछ तो रफ आइडिया. हाँ भाई 520 यस 520 पढ़ के नहीं आए पहले दिन? कौन पढ़ के आता है सर? डेमो लेक्चर सर. फाल करते हो. 298 कितने सेक्शन है? 298 सर पूरे पढ़ने पड़ेंगे ना मुन्ना ना. आईपीसीसी तक ओनली 90 पता नहीं है क्यों सर है. आईपीसीसी तक ओनली 90 और बचे हुए पूरे के पूरे सीए फाइनल्स. सो इनकम टैक्स में कितने सेक्शन है बेटा? 298. आज जाना अपने दोस्त को भी पूछना, बता कितने सेक्शन है इनकम टैक्स में, तूने भी पढ़ा ना आज. वो बता नहीं पाएगा, तुमने उसको बताना बेटा 298 जा. उसके आंख में आंसू आ जाएंगे, वो बोलेगा भाई रिस्पेक्ट. अब ये अपने को मालूम है अपने को नहीं पता, जानबूझ के फाउंडेशन वालों के पास जाना. मालूम है क्या इनकम टैक्स में कितने सेक्शन है? तुम उसको बोलोगे 298, उसको लगे तभी साला इंटर में. अंदर की सच्चाई अपने को पता है, उसको नहीं पता, उसके मजे लेते रहने के प्रोसेस है. यस मैम आप ये लेके जाना राइट. सो इनकम टैक्स में कितने सेक्शन है मालिक? 298 राइट डाउन.
हाउ टू रीड सेक्शन. आज मैं जितना लिखा रहा हूँ सब लिखते जाओ एक एक पॉइंट. गिव द हेडिंग, नेक्स्ट हेडिंग हाउ टू रीड सेक्शन, सेक्शन सब सेक्शन क्लॉज सब क्लॉज. बच्चे डन, चलो अब इधर आ जाओ. ऐसे कई वर्ड है इनकम टैक्स में जो तुमने पढ़े हैं बट तुम्हें वो पता नहीं है. ऐसे कई वर्ड है इनकम टैक्स में जो तुमने अब तक के सिर्फ देखा है लेकिन इन्हें पढ़ा नहीं. फॉर एग्जाम्पल, व्हाट डू यू मीन बाय सेक्शन, व्हाट डू यू मीन बाय एक्ट. जरा समझ के देखते हैं सेक्शन होता क्या है. रीड कैसे करते हैं तो तुम्हें समझ गया, सेक्शन होता क्या है आपको तो पता है. मैं तो बहुत एवरेज बच्चा हूँ, मेरे को तो सेक्शन ही नहीं मालूम सेक्शन होता क्या है. व्हाट डू यू मीन बाय सेक्शन. बेटा सेक्शन इज अ सिस्टमैटिक डिवीजन ऑफ एन एक्ट और सिस्टमैटिक डिवीजन ऑफ अ पर्टिकुलर एक्ट. फॉर एग्जांपल, घर पे अलमीरा होगा सबके, आप देखेंगे वहां पे शर्ट के लिए अलग सेक्शन है, पैंट्स के लिए अलग सेक्शंस है, ज्वेलरी के लिए अलग सेक्शंस है. एक एक्ट को डिवाइड किया जाता है इन नंबर्स और इसे कहते हैं हम सेक्शन. मैं आपको ये इसलिए भी बता रहा हूँ क्योंकि पहली बार जब मैं एज अ सीए इंटरव्यू देने गया, अब क्या हुआ बॉस अपन 21 के अंदर में सीए सीएस दोनों बन गए, ठीक है, एकदम घमंड. मतलब उस दिन तो यू नो पास भी हुआ तो अचानक जैसे सीए बना ना वैसी इंग्लिश अचानक बाहर आने लग गई. दोस्त ने आके बोला भाई तू सीए बन गया. या मैन थैंक यू. एटीट्यूड ही अलग. मैं गया बिग फोर में, मैं बोला भाई सीए, भाई सीएस है तेरा भाई आज तोड़ेगा. मैं गया वहां पे बैठा, ठीक है, इंटरव्यू लेने वाला. मेरे सामने सीधा इनकम टैक्स एक्ट रख दिया, बोला सेक्शन 63 ढूंढ के निकल. आई वॉज लाइक आज तक कभी सेक्शन ढूंढा नहीं, पढ़ा नहीं, कहां से निकालू ढूंढ के. मैं बेवकूफ बुक खोला इंडेक्स चेक कर रहा. पहली बार जिंदगी में समझ में आया एक्ट में इंडेक्स नहीं रहता. रिजेक्टेड. मैंने बोला भाई इतने से काम नहीं होगा, जाना पड़ेगा, बहुत डीप जाना पड़ेगा. व्हाट इज सेक्शन, डिवीजन ऑफ एन एक्ट इन अ सिस्टमैटिक मैनर. हर चीज के लिए सेक्शंस अलग होते हैं, सेक्शंस एक्ट टू एक्ट वेरी करेंगे. मतलब देर इज नो स्पेसिफिकेशन कि ये एक्ट है तो इतने ही रहेंगे, ऐसा नहीं. ये लॉ मेकर डिसाइड करेगा कितने सेक्शन में कितने यू नो कौन से एक्ट में कितने सेक्शन होने चाहिए. सो व्हाट इज अ सेक्शन, सेक्शन इज डिविजन ऑफ एन एक्ट इन अ लिखते जाना सिस्टमैटिक मैनर. There are 298 sections in Income Tax Act. There are 298 sections in Income Tax Act. बेटा ये बनेगा MCQ. सर अगर सेक्शन ये है तो एक्ट क्या है. व्हाट इज एन एक्ट. बेटा एक्ट इज एनी अनएक्टमेंट विच इज पास्ड बाय द पार्लियामेंट. एनी अनएक्टमेंट विच इज पास्ड बाय द पार्लियामेंट. लॉ में आपको डेफिनेटली एक प्रोसेस बताई होगी, इनफैक्ट फाउंडेशन में भी, कि सबसे पहले वो एक बिल होता है, बिल जाता है बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट. पास होने के बाद जब इसे प्रेसिडेंट असेंट मिल जाए तो ये क्या बन जाता है, एक्ट. So act is any enactment passed by parliament. Any enactment which is passed by parliament. अच्छा act के related एक point है और जो बड़ा important point है, right?
और वो पॉइंट है इग्नोरेंस ऑफ लॉ हैज नो एक्सक्यूज. आई थिंक सबने ये एक लाइन बहुत सिंपल सी पढ़ी होगी, इग्नोरेंस ऑफ लॉ हैज नो एक्सक्यूज. आइए मैं आपको इसका एक छोटा सा एग्जाम्पल दे देता हूँ. तो बात उन दिनों की है, बात उन दिनों की है जब ये मैडम, मैम आपका नाम क्या है? ओके रुतुजा, रुजुता. ओके रुजुता मस्त अपनी गाड़ी लेके जा रही थी, एवरीबडी फोकस, मस्त अपनी गाड़ी लेके जा रही थी. इतने में मामा ने रोका, एवरीबडी नो मामा, मामा ने रोका, ओ भाई ओ, ओ, ओ. अच्छा एक मिनट, ये यहाँ पे जो कुछ हो रहा है ये सब नॉर्मल है, मैं अब नॉर्मल नहीं हूँ. पहले एक बात समझ के चल लेना, क्योंकि एक्चुअली आप किसी से, वो दर्शन सर अभी थोड़ी देर पहले बोल के गए ना कि ये आदमी से बच के रहना, वो इसलिए बोल के गए क्योंकि ये 3.5 घंटा पढ़ाते वक्त मैं पूरा पागल इंसान हूँ, तो यहाँ कुछ भी हो सकता है, तुमने चिल मार के देखते रहने का. और किसी ने इसका वीडियो या मेम्स बनाया बस समझ लो, नहीं क्योंकि ऐसा हर बैच में होता है, हर बार बहुत सारे बनते हैं. एक जन ने पार्ले जी पे बनाया था मेरा, ऐसा कोई हरकतें करना मत, सुनना. तो वो उसने रोका, मामा ने, ओ मैडम मैडम ओ किधर जा रहे, दिख रहा नहीं सिग्नल, लो चलो चालान निकल, लो जल्दी चालान, 500 रुपये का चालान निकल. मैडम अच्छा किस बात का, ओ भाई सिग्नल तोड़ा आपने उसका, अच्छा नहीं वो क्या है, रेड मेरा फेवरेट कलर है ना, मैं निकल गई. कैन यू से लाइक दैट, डेफिनेटली नॉट, येस ऑर नो, राइट. बात उन दिनों की भी थी जब ये मेरा भाई, भाई तेरा नाम क्या है, अभिषेक, हाँ. तो अभिषेक एक दिन मस्त बैठा था बॉटल पकड़ के ऐसा, सुन अरे सुन ना, तुम अंदर से आन दो मिनट रुको, ठीक है, ऐसा बॉटल पकड़ के बैठा था. इतने में एक जन आया, ऐसा अभिषेक को देखते हुए खड़ा हो गया कि आदमी कर क्या रहा है. अभिषेक सीधा बॉटल उसके ऊपर दे मारी, आदमी वहीं गया. पुलिस, ओ साहेब काय है, अभिषेक सच है, तुमको अभी जेल जाना पड़ेगा, उम्र कैद फांसी. क्यों, अरे तुमने मार दिया ना, आदमी मार दिया तुमने. ओ नहीं मैंने आज तक क्रिमिनल लॉ पढ़ा नहीं ना कभी, मेरे को नहीं मालूम. कैन यू से लाइक दैट, इग्नोरेंस ऑफ लॉ हैज नो एक्सक्यूज. क्रिमिनल ने क्राइम करने से पहले ऑब्वियसली कभी क्रिमिनल लॉ नहीं पढ़ा होगा, बट क्या उसे छोड़ा जा सकता है, नहीं. क्राइम पेट्रोल भी आपको यही चीज सिखाता है कि क्रिमिनल, अरे क्राइम पेट्रोल रे, क्राइम पेट्रोल भी आपको यही चीज सिखाता है, क्रिमिनल तो क्राइम करेगा ही, तुम सतर्क रहो. गेटिंग इट और नॉट, सो एक्ट. लॉ बहुत सिंपल सी वर्ड बोलता है, इग्नोरेंस ऑफ लॉ हैज नो एक्सक्यूज. सेक्शन ये है, एक्ट ये है. तो सर नोटिफिकेशन नाम की भी कोई चीज आप लोगों ने सुनी होगी ऑब्वियसली. क्या होता है नोटिफिकेशन, कोई भी रफ आइडिया, नोटिफिकेशन नोटिफिकेशन क्या है? ओ तेरे से पूछ रहा, नोटिफिकेशन क्या है बेटा, बोलना. ये नहीं बोलता साहब, आप कुछ बोलना पड़ेगा, पता है नहीं पता है जल्दी बोलो, पता है. रफ आइडिया रे, पहला दिन है, ऑब्वियस सी बात है तुमको नहीं पता होगा, ट्राई करना है. अपन सब यहाँ पे मेरे भाई देख सुन, अपन सब यहाँ पे पढ़ने आए हैं, ठीक है. पढ़ते पढ़ते हो सकता है गलती हो, और अपन सीए स्टूडेंट को कभी कोई कॉलेज वॉलेज नहीं रहता, जो है सब इधर ही है, ठीक है. तो जो कुछ भी आ रहा है ट्राई करो, कोई प्रॉब्लम नहीं, गलती होगा ना, उससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता. पर निकालो, आवाज़ निकालो, जरा सुनिएगा. नोटिफिकेशन कोई भी रफ आइडिया क्या होता है? हाँ जी बेटा, कोई भी,
कोई भी डिस्क्रिप्टिव चीज को छोटे पार्ट में नोटिफाई करते हैं। जी मैम, ओके, ये एक पॉइंट इन्होंने कहा, कोई भी करंट चीज को इमीडिएटली लोगों तक के पहुंचाना, राइट। जी मैम, बिल्कुल सही जवाब। एक्ट में कोई चेंज हुआ होगा तो लोगों तक पहुंचाना। बेटा नोटिफिकेशन मतलब क्या होता है? नोटिफिकेशन इज नथिंग बट कम्युनिकेशन ऑफ एनी चेंज, कम्युनिकेशन ऑफ एनी चेंज। देखिए, इनकम टैक्स इज एनुअल एक्ट, जब बजट आता है तब इसमें चेंज होता है। मान लीजिए इसी बीच कोई सुप्रीम कोर्ट जजमेंट आ गया, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट बिकेम्स लॉ ऑफ लैंड, सुप्रीम कोर्ट जजमेंट बिकेम्स लॉ ऑफ लैंड। नाउ सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट जैसे ही आया उसे तो इमीडिएटली अप्लाई करना पड़ेगा, यस और नो? अब ऐसे केसेस में आपको इमीडिएटली एक नोटिफिकेशन निकालना होता है कि अब से, अभी से ये चीज इस तरीके से करनी है, कम्युनिकेशन ऑफ एनी चेंज। बेटा ध्यान से सुन, इसे ही अलग तरीके से बताता हूं। फेसबुक, इंस्टा, जैसे ही आपके दोस्त ने फोटो चेंज करी आपको क्या आता? कम्युनिकेशन ऑफ एनी चेंज। जैसे ही कुछ बदला आपको तुरंत नोटिफाई किया जाता है। सर सर, क्या नोटिफिकेशन मुझे एप्लीकेबल है? यस, ऑल नोटिफिकेशन 6 मंथ बिफोर एग्जाम आपको एप्लीकेबल है। तो एग्जाम से 6 महीने पहले के जितने नोटिफिकेशन होंगे ये सब आपको एप्लीकेबल होंगे। फॉर गिव यू एन एग्जाम्पल, अगर आप मे अटेम्प्ट दे रहे हैं तो पहले के नवंबर तक के जितने नोटिफिकेशन है वो आपको एप्लीकेबल, अगर आप नवंबर दे रहे हैं तो मे तक के जितने नोटिफिकेशन आपको एप्लीकेबल है। ऑल नोटिफिकेशन। सर मुझे भी नोटिफिकेशन चाहिए, कहाँ मिलेगा? अप्पा बड़वन चौक पे मिलेगा? नोटिफिकेशन मिलता है इनकम टैक्स इंडिया की वेबसाइट पे। कौन सी वेबसाइट पे बेटा? इनकम टैक्स इंडिया। वेबसाइट का नाम है incometaxindia.gov.in। कौन सी बेटा? incometaxindia.gov.in। इस वेबसाइट पे आपको सारे नोटिफिकेशन मिलते हैं। सो आइए, व्हाट इज नोटिफिकेशन? नोटिफिकेशन मीन्स कम्युनिकेशन ऑफ एनी चेंज। चेंज काय में? एक्ट में या रूल्स में? ऑल नोटिफिकेशन 6 months बिफोर एग्जाम आर एप्लीकेबल। It is available on the website incometaxindia.gov.in or egadget.nic.in। ये दो वेबसाइट है बेटा जिसपे ये अवेलेबल होता है। सो कम्युनिकेशन ऑफ एनी चेंज, कुछ भी बदला लोगों तक पहुंचाना इस कम्युनिकेशन। कहां अवेलेबल होगा? incometaxindia.gov.in या egadget.nic.in। डन मालिक? सो अगेन सेइंग इट, अब तक हमने क्या पढ़ा? सेक्शन मतलब क्या होता है, एक्ट मतलब क्या होता है, नोटिफिकेशन मतलब क्या होता है। अच्छा मुझे एक बात बताइए कॉमन सेंस के साथ, अगर एक्ट और नोटिफिकेशन दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी हुए, एक्ट कुछ और कह रहा है नोटिफिकेशन कुछ और कह रहा है, कौन जीतेगा, एक्ट या नोटिफिकेशन? आपके मन में जो आए और एवरीबडी चिल बिंदास, अपन यहां सीखने आए हैं, गलती होगी। हाँ, एक्ट और नोटिफिकेशन दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी है, कौन जीतेगा, एक्ट या नोटिफिकेशन? नोटिफिकेशन। हाउ मेनी पीपल एक्ट? 1, 2, 3, 4, 5, 6। अरे दम है, हाथ उठाना भाई, अपना हाथ है, लग रहा है गलत हो सकता है। ठीक है, ये कहते हैं एक्ट जीतेगा। कितने लोग कहते हैं नोटिफिकेशन जीतेगा? हाथ उठाओ। अच्छा, और जिनने हाथ नहीं उठाया उनके काम बिजी है?
आई मीन टू से हो सकता है कुछ लिख रहे हो, ले सब बिगड़े हुए, दर्शन सर ने ना तुम्हें बिगाड़ दिया है। सुनो, हाँ भाई, आपको लग रहा था एक्ट जीतेगा, ऐसा क्यों? हाँ, तो मैडम कहती है कि वो एक्ट है और एक्ट सुपीरियर है, एक्ट जीतना चाहिए। नोटिफिकेशन जीतने वाले कौन थे? हाँ जी, हाँ बेटा, मैडम पॉइंट टू बी नोटेड, नोटिफिकेशन आया ही इसलिए कि वो एक्ट बदले, ऐसा ही है कह रही हैं। दो जवाब। मैडम एक्ट थोड़ी ना बदला है, सिर्फ एक पॉइंट बदला है, उसके लिए आप कह रही हैं कि पूरा का पूरा नोटिफिकेशन जीतेगा, एक्ट नहीं, ऐसा ये कह रही हैं। अरे ठीक है, पर जो पार्ट बदला उसके लिए तो नोटिफिकेशन ही जीतेगा, तो नोटिफिकेशन जीता। कौन बोला? हाँ हाँ भाई, हाँ, पॉइंट टू बी नोटेड, एक्ट ही नहीं होगा तो नोटिफिकेशन कहां से आएगा? पॉइंट टू बी नोट, माय लॉर्ड इधर देख, एक्ट ही नहीं होगा तो नोटिफिकेशन कहां से आएगा? हाँ, नोटिफिकेशन वाले किधर है सब? एक्ट ही नहीं होगा तो नोटिफिकेशन कहां? हाँ जी भाई, हाँ पॉइंट आपके बाजू वाला, बिल्कुल बाजू वाला कह रहा है, एक्ट है तब तो नोटिफिकेशन आया ना, एक्ट ही ना होता तो कहां, मुर्गी ना होती तो अंडा कहां से आता? मैं यहां पे आपको मीडिएट करने खड़ा हूं, लड़ना आपको है, मैं आपको बताता हूं ऐसा क्यों। इस क्लास में ऐसा इसलिए हो रहा है, आपको एक दूसरे से लड़वाया जा रहा है पॉइंट्स पे, वो इसलिए क्योंकि व्हेन यू विल ग्रो अप एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, यू हैव टू पुट अप योर पॉइंट्स इन फ्रंट ऑफ द अदर पार्टी, दैट इज डिपार्टमेंट, एंड यू मस्ट बी एबल टू पॉइंट आउट कि अगर मेरे को ऐसा लग रहा है तो क्यों लग रहा है। देयर हैज टू, यू हैज टू स्टैंड ऑन बिहाफ ऑफ असेसी, क्योंकि तुम्हारे घर जो चलने वाला है वो किससे? असेसी से। तो तुम्हें हमेशा उसके स्टैंड पे खड़े रहना होगा और बताना होगा डिपार्टमेंट को कि ये ऐसा नहीं है, ये चलेगा या ये नहीं चलेगा। और उसको पता होने के लिए पहले ये पता होना जरूरी है। तो बताइए क्या लगता है, एक्ट या नोटिफिकेशन? एंड आंसर इज, एंड आंसर इज, ठीक है आगे बढ़ते हैं, इसको क्यूरियोसिटी डेवलप करना बोलते हैं। एंड द आंसर इज नोटिफिकेशन। पूछो ना क्यों? बेटा वो इसलिए क्योंकि नोटिफिकेशन इज कम्युनिकेशन ऑफ एनी चेंज। छोटा सा एग्जांपल, आइए मैं आपको छोटा सा एग्जांपल कह देता हूं। जनरली चार्टर्ड अकाउंटेंसी एक्ट लिखता है हमारे एग्जाम होंगे मई या नवंबर में। इस साल आया इलेक्शन जिसके कारण मई के एग्जाम को चेंज किया गया, कहां बेटा? जून में। क्या लाके चेंज किया गया? नोटिफिकेशन। तो बताओ क्या चला, एक्ट या नोटिफिकेशन? हेंस प्रूड, समझ में आई बात? सो प्लीज राइट डाउन, इफ नोटिफिकेशन इज इन contravention to act, the notification shall prevail. तो आज जाना अपने दोस्त से पूछना, बता दोनों में से क्या जीतेगा, वो बोलेगा act, उसको ना बेटा तुझसे ना हो पाएगा। फिर जब उसको तुम ये प्रूव करके समझाओगे, उसकी आंखों से आंसू आएंगे और बोलेगा भाई अर्न रिस्पेक्ट, पैसा तो कोई भी अर्न करता है। सर्कुलर समझा मेरे बच्चे? अब तक मेरे भाई आपने चार चीजें पढ़ी,
एक्ट मतलब क्या होता है, सेक्शन मतलब क्या होता है, नोटिफिकेशन मतलब क्या होता है। आइए एक और वर्ड पढ़ते हैं जो आपने जिंदगी में सुना तो है पर पता नहीं, सर्क्यूलर। हैव यू हर्ड दिस वर्ड सर्क्यूलर? इफ नॉट तुम्हें इसकी बहुत जरूरत पड़ेगी, बिकॉज सर्क्यूलर इज समथिंग जो एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट वी नीड टू फॉलो। टेल मी व्हाट इज सर्क्यूलर, रफ आइडिया एनीबडी? यस बॉस, परफेक्ट। व्हाट इज सर्क्यूलर? परफेक्ट, बिल्कुल सही। आप चॉकलेट लेके जाना। सुनिए सर्कुलर मतलब होता क्या है, शुड आई टेल यू और शुड आई शो यू? थोड़े मजे से पढ़ते हैं, सुनो। अब मैं आपको ऑनेस्टली बता दूं, अब तक शायद आधे घंटे में आपको समझ में आ गया होगा मैं सीरियस नहीं पढ़ा सकता, बिल्कुल नहीं। एक बार मेरे को दर्शन सर ने बोला भी, तू थोड़ा सीरियस पढ़ाया कर, दुनिया का सबसे बकवास लेक्चर था मेरी जिंदगी का वो, तो भाई हमसे ना हो पाएगा। सुनो मजे से, मैं यहाँ कुछ ड्रॉ कर रहा हूँ और हर बच्चे को इसमें पार्टिसिपेट करना है, ठीक है? एवरीबडी आर यू विथ मी? ये कितने हैं? 5, 4, 3, 2, 1, फोकस। सभी के सामने? चलो मैम, क्या है ये? और दिल में जो आ रहा है वो बोलना, यहाँ पे बैरियर कुछ नहीं है। ग्लास, ग्लास में ग्लास ऑफ वाटर, सच में क्लास के बाहर भी आप यही जवाब देती? हाँ बेटा, बच्चे बोलो ये क्या है, तुम्हें क्या दिख रहा है? ग्लास ऑफ वाटर विथ आइस। बर्फ जरूरी है भाई। ग्लास ऑफ वाटर, क्वार्टर, क्वार्टर बेटा मेजरमेंट होता है, विस्की है, रम है, बियर है, जिन है, वोडका है, वाइन है, मोजीतो है, क्या है? ऐसा मेरे को मेरे दोस्त ने बताया था, कैटेगरीज होती है। क्या लगता है क्या है? चल तेरा चॉइस बोल। वर्ड का है, ठीक है। हाँ भाई बोल। ग्लास ऑफ वाटर, ग्लास ऑफ वाटर विथ आइस, बेटा बोलो क्या है? तुम्हें कैसे पता ये वाटर ही है? हाँ भाई, ग्लास ऑफ वाटर, ग्लास है जिसमें कुछ तो लिक्विड है। हाँ भाई, वाटर ग्लास आधा खाली है, नजरिया है भाई। बोल भाई। हाँ भाई, भाई तू साइंस बैकग्राउंड से है? भाई ने डेफिनेशन दी, ग्लास विथ अ वाटर स्टेट एंड अ लिक्विड स्टेट एंड अ सॉलिड स्टेट। सर, ग्लास ऑफ वाटर विथ ग्रेप्स, गलत नहीं जी बेटा? ग्लास ऑफ सोडा जरूरी है भाई, ग्लास ऑफ सोडा। और कौन बचा, कौन बचा किसी एरिया में? हाँ एकदम कोने में मैम, ग्लास ऑफ वाटर। हाँ भाई, ग्लास है, अच्छा और ग्लास ऑफ, ग्लास ऑफ अनक्लियर लिक्विड, इसे टेक्निकल कौन रहता रहता। हाँ और किसी के मन में कुछ आ रहा है? मैंने नहीं पूछा बट आ रहा है कि हाँ, ग्लास ऑफ वाटर विथ वुडन पीस, कचरे का डब्बा। हाँ
अब सुनिए, सर्कुलर पढ़ाने के अपने अपने तरीके, मेरा अपना है, ठीक है, जरा ध्यान से सुनना। मैंने आप सभी के सामने एक प्रोडक्ट रखा, हर एक ने अपनी इच्छा, एक्सपीरियंस या यू नो उनके नॉलेज के हिसाब से ये सामने रखा। किसी ने कहा कचरे का डब्बा, किसी ने कहा आइस विथ वाटर, विथ सॉलिड एंड लिक्विड, विथ यू नो विथ ग्रेप्स, विथ सोडा, सब ने अपना ठीक। लॉ उसी तरीके से रखा जाता है, लॉ मेकर ने लॉ बना के आपके सामने रख दिया। अब सीरियस, लॉ मेकर ने लॉ आपके सामने बना के रख दिया, हर आदमी उसे इंटरप्रीट अपने तरीके से करेगा। लॉजिकल, प्रोडक्ट बना के सामने रख दिया, हर आदमी इसे अपने तरीके से रीड करेगा। अब इमेजिन, ऐसा हो सकता है क्या, जो असेसिंग ऑफिसर, इनकम टैक्स ऑफिसर को असेसिंग ऑफिसर भी कहा जाता है, एओ, क्या कहा जाता है, एओ, असेसिंग ऑफिसर, जो असेसिंग ऑफिसर दिल्ली में बैठा है, मुंबई में बैठा है, चेन्नई में बैठा है या कोलकाता में बैठा है, हर एक जन इसे अपने अपने तरीके से रीड करेंगे। ऐसा पॉसिबल है ना कि किसी ने इसको पानी रीड किया, किसी ने इसको सॉलिड रीड किया, किसी ने, अपने अपने तरीके से रीड करेंगे। अब इमेजिन करो, अगर इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ही इस लॉ को अलग अलग रीड करेगा तो लोगों का तो भरोसा उठ जाएगा डिपार्टमेंट से, हाँ या हाँ, बराबर। इमेजिन तुम एक डॉक्टर के पास गए, ठीक है, इधर आओ, एक चीज बता, तुम एक डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर के पास जाके बोला, डॉक्टर साहब बहुत पेट दुख रहा, बहुत दुख रहा, पेट पेट बहुत दुख रहा मेरा। डॉक्टर ने कहा कुछ नहीं, चिल, गैस है, जाओ। तुम दूसरे डॉक्टर के पास गए, दूसरे डॉक्टर को बोला, सर बहुत दुख रहा, वो कंट्रोल ही नहीं हो रहा। दूसरे ने बोला, अरे कुछ नहीं, एसिडिटी है, जाओ। तीसरे डॉक्टर के पास गए, तुम्हें वो हो गया जो नहीं होना था। अरे लोगों का भाई साहब भरोसा उठ जाएगा प्रोफेशन से, गलत बोल रहा हूं साहब, लोगों का भरोसा उठ जाएगा प्रोफेशन से। अगर एक जन कहे ये बहुत टफ है और एक जन कहे ये दसवीं से इजी है, भरोसा उठ जाएगा लोगों का। हालांकि हम किसी के ऊपर क्वेश्चन कर सकते हैं क्या, नहीं, एवरीबडी हैज इट्स ओन ओपिनियन, पर अगर अलग अलग लोग अपना अलग ओपिनियन रखे, लॉजिकल है। डिपार्टमेंट अलग अलग ओपिनियन रखे, ये लॉजिकल है क्या, नहीं। इसीलिए लाया जाता है सर्कुलर, क्लैरिफाई करने के लिए कि डिपार्टमेंट दिल्ली में जो है, मुंबई में जो है, चेन्नई में जो है, पुणे में जो है, ये अलग अलग रीड ना करे उस सेम प्रोविजन को, क्योंकि लोग अलग अलग रीड करें लॉजिकल है, अपने अपने कैपेबिलिटीज के हिसाब से आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर डिपार्टमेंट इसे अलग रीड करे ये सेंसिबल नहीं है। एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम सर्कुलर इज इशूड, सर्कुलर इज इशूड टू क्लैरिफाई द डाउट्स। पर सर्कुलर किसके लिए इशू किया जाता है, डिपार्टमेंट के लिए, किसके लिए इशू किया जाता है, डिपार्टमेंट के लिए। डिपार्टमेंट कोई भी व्यू ले, एज अ असेसी यू कैन स्टिल टेक अनदर ओपिनियन, हाँ या हाँ। डिपार्टमेंट बोल रहा है ये पानी का ग्लास है, तुम अपना ओपिनियन बदल सकते हो। सो कैन आई से सर्क्यूलर इज बाइंडिंग ऑन डिपार्टमेंट, नॉट बाइंडिंग ऑन असेसी। ये आपके ऊपर बाइंडिंग नहीं है, आप स्टिल बोल सकते हो नहीं ये कचरे का डब्बा है, ये सोडा है, आप कुछ भी बोल सकते हो। डिपार्टमेंट चार अलग व्यू दे सकता है क्या मालिक, नहीं। व्हाट इज सर्क्यूलर, सर्क्यूलर इज क्लैरिफिकेशन ऑफ एनी डाउट इन एक्ट और रूल्स, ये क्लैरिफाई कर देगा। हाँ, इट इज एप्लीकेबल ऑन डिपार्टमेंट एंड नॉट एप्लीकेबल टू असेसी और कोर्ट। ये किसके लिए मैंडेटरी होता है, ये डिपार्टमेंट के लिए जरूरी है, आप स्टिल कोई और ओपिनियन ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर ऑल सर्कुलर
सिक्स मंथ्स बिफोर एग्जाम आर एप्लीकेबल. आई होप आपको समझा. तो दोनों भी नोटिफिकेशन और सर्कुलर सिक्स मंथ बिफोर एग्जाम क्या होते हैं बेटा? एप्लीकेबल. सर सर्कुलर कहां मिलता है? सर्कुलर इज अवेलेबल ऑन इनकम टैक्स इंडिया .gov.in. इज दैट डन मालिक? प्रभु सभी को क्लियर हुआ? सर्कुलर क्यों इशू होता, कहाँ से इशू होता, कौन लेके आता? अच्छा, क्या सर्कुलर कॉन्ट्राडिक्टरी हो सकता है क्या? जनरली नो, क्योंकि डिपार्टमेंट ही निकाल रहा है डिपार्टमेंट वालों के लिए, तो इसका कॉन्ट्राडिक्टरी होना थोड़ा सा मुश्किल है. क्लियर है? चलिए आइए बेटा, हमें चार वर्ड पढ़ने हैं. चार वर्ड कौन से हैं? हमें चार ही वर्ड पढ़ने हैं आज. इनकम टैक्स एक्ट 1961 लिखना नहीं है, सुनो. हमें चार ही वर्ड पढ़ने हैं. हम सबसे पहला वर्ड खोल रहे हैं एक्ट. एक्ट मतलब क्या होता है? एक्ट के अंदर में सेक्शन कितने होते हैं? क्या एक्ट ही सिर्फ पढ़ के काम चल जाएगा? नहीं, साथ साथ में क्या पढ़ना पड़ेगा? नोटिफिकेशन. क्या पढ़ना पड़ेगा? सर्कुलर. तो क्या सिर्फ एक्ट पढ़ के काम हो सकता है? ना मुन्ना ना. जब आप एक्ट पढ़ोगे तो हमें एक्ट के साथ साथ सर्कुलर्स भी पढ़ने पड़ेंगे, नोटिफिकेशन भी पढ़ने पड़ेंगे, तो जाके हम रियल सेंस पता कर पाएंगे. ओ आ रहा है, आ रहा है. हाँ, एक और डाउट आया. सर सर आई हैव अ डाउट. मैंने बोला ओके आगे बोल. सर तो फिर रूल्स क्या होते हैं? सर एक्ट और रूल सेम है ना? क्या एक्ट और रूल्स दोनों सेम चीज है? मैं तो कहता हूं हां, एक्ट और रूल सेम चीज है. से यस, से यस. क्यों? एक्ट और रूल्स तो सेम है ना. अच्छा डिफरेंस बताओ. पार्डन, कॉम्बिनेशन ऑफ रूल्स सर्कुलर्स नोटिफिकेशन इज कॉल्ड एज एक्ट. नोटिफिकेशन ऑफ रूल्स सर्कुलर एंड नोटिफिकेशन इज कॉल्ड एज एक्ट. देन व्हाट इज रूल्स? हाँ जी बेटे, एक्ट को बनाने के लिए बिल पास करना पड़ता है, पर रूल्स को बनाने के लिए जो गवर्नमेंट कह दे रही है वो रूल्स बन गए. और कुछ? एक्ट और रूल्स. प्रोसीजर टू डू द वर्क, डायरेक्शंस टू डू द वर्क. अच्छा कितनों को लगता है ये दोनों वर्ड सेम है? मेरे को लगता है दोनों वर्ड सेम है. माँ कसम मेरे अलावा किसी को नहीं लगता. एक सवाल तो अपने जिंदगी में आज भी चल रहा है, एक्ट 61 रूल 62, ये आज भी चल रहा है. पर उससे पहले ये तो समझ ले एक्ट और रूल्स होता क्या है. बेटा एक्ट कंटेन प्रोविजन ऑफ लॉ, रूल्स कंटेन इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉ. एक्ट कंटेन प्रोविजन ऑफ लॉ, रूल्स कंटेन इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉ. फॉर एग्जाम्पल, एक्ट ने कह दिया आप साल भर इनकम कमाने के बाद इनकम टैक्स रिटर्न भरेंगे, ये कह दिया एक्ट ने. रूल्स हमें बताता है कौन से फॉर्म में भरना है, कितने टाइम के अंदर भरना है, कैसे भरना है, कौन भरेगा, साइन कौन करेगा, कहां से आई है, कहां को जाएगी, ये सारे पार्ट कौन बताएगा? धंधे पे ध्यान दे, सारे पार्ट कौन बताएगा? रूल्स. तो एक्ट ने लिख के रख दिया कि बॉस इनकम टैक्स रिटर्न ड्यू डेट पे फाइल करना है, पर ड्यू डेट क्या होगी, कब होगी, कौन से मोड में भरना है, इलेक्ट्रॉनिकली भरना है, यू नो फिजिकली भरना है, कैसे सबमिट करना है, ये सारी बात कहां लिखी होती है? रूल्स.
सो एक्ट क्या करता है? एक्ट कंटेन प्रोविजन ऑफ लॉ व्हाइल रूल्स कंटेन इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉ. एक्ट्स कंटेन प्रोविजन ऑफ लॉ व्हाइल रूल्स कंटेन इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉ. और अब मैं मेरे बच्चे से पूछना चाहूंगा, क्या तुम एक्ट और रूल्स दोनों अलग अलग रीड करोगे या साथ में रीड करना पड़ेगा? बताइए, अलग अलग रीड करोगे या साथ में रीड करोगे? साथ में. यानी क्या मैं आपसे कह सकता हूं, एक और हेडिंग देना, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ इनकम टैक्स एक्ट? क्या तुम्हें एक्ट पढ़ना है? यस. क्या तुम्हें रूल्स पढ़ने हैं? यस. क्या तुम्हें नोटिफिकेशन पढ़ना है? यस. क्या तुम्हें सर्कुलर पढ़ना है? यस. क्या तुम्हें केस लॉ भी पढ़ने हैं? यस. ये हमें बेवकूफ बनाया गया है, तुम्हें सिर्फ एक्ट पढ़ना है. एक्ट के पीछे ये सब भी पढ़ना है. सो सिर्फ एक्ट पढ़ के काम नहीं होने वाला. यू नीड टू गो विथ एक्ट, रूल्स, नोटिफिकेशन, सर्कुलर्स एंड केस लॉज. तब जाके तुम सारी चीजें कंप्लीट कर पाओगे. सो दीज आर दी कंपोनेंट्स ऑफ इनकम टैक्स. कि जब इनकम टैक्स पढ़ोगे तो इतने कंपोनेंट को एक साथ पढ़ना पड़ेगा, तो जाके समझ में आएगा. पर अब भी हमारा एक क्वेश्चन पेंडिंग ही चल रहा है. क्वेश्चन क्या था? एक्ट 1961, रूल्स 1962, ऐसा क्यों? ये आज भी पेंडिंग है. ठीक है, देखेंगे. यहां तक समझ में आया? पक्का? चलो, जितना पढ़ाया वापस एक बार फटाफट पेज पलटो, सिर्फ रीड करो. जितना पढ़ाया वापस से एक बार फटाफट रीड कर लेना बस. सबसे पहली चीज दिखेगी, इनकम टैक्स एक्ट, लैटिन वर्ड था टैक्सो. फिर दिखेगा जेम्स विल्सन ने लेके आया, 1922 में पहली बार एक्ट बना, फिर 1961 में बना, फिर रूल्स आए 1962 में. अब हमने पहली बार, आपको तो पता है हम एवरेज बच्चे थे, पहली बार टैक्स पढ़ रहे थे, हमने समझा टैक्स मतलब क्या होता है, रूल्स मतलब क्या होते हैं. फिर हमने और दो वर्ड पढ़े, एक्ट मतलब क्या होता है, सेक्शंस मतलब क्या होते हैं, नोटिफिकेशन मतलब क्या होता है, सर्कुलर मतलब क्या होता है. एक्ट कंटेन प्रोविजन ऑफ लॉ, रूल्स कंटेन इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉ. सेक्शन इज अ डिविजन ऑफ एन एक्ट इन अ सिस्टमैटिक मैनर. देर आर 298 सेक्शन. एक्ट इज एनी एनएक्टमेंट पास्ड बाय द पार्लियामेंट. नोटिफिकेशन इज कम्युनिकेशन ऑफ एनी चेंज. एंड सर्क्यूलर इज क्लैरिफिकेशन ऑफ एनी डाउट. हमें चार वर्ड पढ़ने हैं, इनकम टैक्स एक्ट 1961. अब तक हम सिर्फ एक ही वर्ड तोड़ रहे हैं, एक्ट. बाकी हमने डिस्कस नहीं किया कुछ. आइए कुछ और बातें करता हूं मैं आपसे. रामैया वर्सेस चेन्नैया, आईटीआर 2018-16. ऐसे कई चीजें आपने फाउंडेशन से सीपीटी से देखी होगी. से यस. इनफैक्ट ये केस लॉ वहीं का ही है, बराबर है. रामैया वर्सेस चेन्नैया, आईटीआर 2018-16. मुझे दो बातें समझाएंगे, मैं बड़ा एवरेज बच्चा हूँ. मुझे बताइए किसने किस पे केस किया, रामैया ने चेन्नैया पे या चेन्नैया ने रामैया पे? ओह, सो इसने इसकी बैंड बजाई. ये आगे का क्या है, ये आगे का क्या है? आइए मैं पहली बार आपको केस लॉ पढ़ना सिखाता हूं. रामैया ने चेन्नैया पे केस किया है, इस केस का डिसीजन आ चुका है. आईटीआर स्टैंड्स फॉर इनकम टैक्स रूलिंग्स. ये रूलिंग आई थी 2018 में और ये रूलिंग 16 नंबर का केस था. दिस इज हाउ यू रीड द लॉ. मतलब 2018 में जितने केसेस हुए उसमें 16वें नंबर पे था रामैया वर्सेस चेन्नैया. इनकम टैक्स रूलिंग बुक में आपको मिल जाएगा ये केस. कई बार ऐसा होता है कि एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट यू नीड टू रिफर द केस लॉ, कि केस लॉ में हुआ क्या था. अब केस लॉ कैसे ढूंढेंगे, तो हमें पता चलता है आखिरी से. हम नाम से नहीं ढूंढते, क्योंकि चेन्नैया वर्सेस रामैया बहुत सारे नाम हो सकते हैं, विजय वर्सेस विशाल ऐसा कई नाम हो सकते हैं. आप कितने सर्च करोगे,
इसीलिए इस तरीके से इसे ढूंढा जाता है, आईटीआर कौन से ईयर का है और रूलिंग नंबर कितनी थी, इससे आपको केस मिलता है। समझ में आई बात? सो हाउ यू रीड, चिन्नैया वर्सेस रमैया, आईटीआर 2018-16, मतलब क्या, इनकम टैक्स रूलिंग्स 2018 में आई है और ये 16 नंबर का केस था। समझ में आई बात? अच्छा एक मिनट सुनो सर, एक्ट कुछ और कह रहा है और केस लॉ कुछ और कह रहा है, किसे फॉलो करेंगे? ध्यान से सुनिए मेरी बात, आर यू विथ मी? ये कितने फोकस, एक्ट कुछ और कह रहा है, केस लॉ कुछ डिफरेंट ही आया है, ऐसा हो सकता है? हाँ। लॉ मेकर का इंटेंशन डिफरेंट हो सकता है, लॉ इंटरप्रिटर का इंटेंशन डिफरेंट हो सकता है, दिस कुड बी पॉसिबल। नाउ टेल मी, एक्ट कुछ और कह रहा है, केस लॉ कुछ और कह रहा है, जीतना किसे चाहिए? केस लॉ। हाँ, एनीबॉडी विथ एक्ट? नोबडी? मेरे साथ लड़ो, मैं बोलता हूँ एक्ट जीतेगा, एक्ट जीतेगा, मैं कह रहा हूँ केस लॉ। क्यों सर ऐसा नोटिफिकेशन में था इसके लिए? क्यों ऐसा, केस लॉ क्यों जीतना चाहिए? केस लॉ हुआ तभी एक्ट बना। भाई कुछ गलत बोल रहा है ना मेरा? एक्ट था इसलिए केस लॉ बना, ऐसा कुछ होना चाहिए था, पर ठीक है। हाँ और, हाँ जजमेंट ऑफ कोर्ट है इसीलिए उसको पहले रेफर किया जाएगा, ऐसा? हाँ जी, केस लॉ करंट सिनेरियो से रिलेटेड है इसलिए। अब मैं आपको एक बात बताऊं, इंडिया में बहुत सारे केसेस होते हैं रोज के, अगर हम इन्हें रेफर करने बैठ गए ना तो भाई साहब बहुत टाइम लग जाएगा। लॉ रीड करने का एक मैकेनिज्म है, इनकम टैक्स इज अ लॉ, और लॉ रीड करने का, इस एक्ट को रीड करने का एक मैकेनिज्म है। सबसे पहले आपको कुछ भी ना मिले, आपको सबसे पहले जाना है एक्ट में। मतलब अगर मैं आपसे बात कहूं हाउ टू रीड लॉ, इनकम टैक्स इज एन लॉ, इसी के लिए फर्स्ट रेफर टू एक्ट। आपको जब भी कोई चीज ना मिले पहले जाना होता है एक्ट में। केस लॉ तो बहुत सारे होंगे, इतने सारे हाई कोर्ट्स है, इतने सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स है, इतना सारा लॉ मैकेनिज्म लाके रखा है, आईटैट है, सुप्रीम कोर्ट है, कहाँ कहाँ के केसेस रेफर करोगे? इलाहाबाद हाई कोर्ट में चल रहा है, तुमको क्या मालूम क्या चल रहा है? ये सुनो, तो ऐसे में पहले हमेशा रेफर करना पड़ता है एक्ट। एक्ट में कुछ ना मिले, इफ एक्ट डज नॉट प्रोवाइड, तो आपको सेकंड प्रेफरेंस देना पड़ता है केस लॉ को। अगर आपको एक्ट में कुछ नहीं मिल रहा तो आपको जाना पड़ता है केस लॉ पे। सर अगर केस लॉ भी नहीं है इस मैटर पे तो आपको थर्ड प्रेफरेंस देना पड़ता है कस्टम एज फॉलोड बाय मेनी ईयर्स, जो कस्टम जो प्रथा चलती आ रही है उसी तरीके से। लेट मी गिव यू एन एग्जाम्पल, एवरीबडी रीड दिस, कौन से एक्ट में लिखा है? अच्छा ABCD एक्ट, बराबर ना, ABCD एक्ट, राइट? हाँ या ना? नहीं। अच्छा कोई केस लॉ तो हो गई ना, एक्स वर्सेस वाई, ऐसा कोई केस लॉ पढ़ा कभी? कस्टम, देर इज नो सच एक्ट, देर इज नो सच केस लॉ, पर हम आज जितने सालों से चला रहा उसी को फॉलो करते हैं, हम इसको ए बोलते आ रहे हैं, हम ए ही बोलते हैं। तो जरूरी नहीं है हर चीज के ऊपर लॉ हो, जरूरी नहीं है हर चीज के ऊपर केस हो, तो उस केस में अब तक जो चलते आ रहा है हम वही फॉलो कर देते। इनकम टैक्स में भी हम कुछ इसी तरीके से जाएंगे, हम सबसे पहले कोई भी चीज का मीनिंग ढूंढेंगे इनकम टैक्स एक्ट में। इनकम टैक्स एक्ट में नहीं मिला मेरे भाई उसका मीनिंग, तो और सिर्फ तभी हम जाएंगे केस, और केस लॉ भी नहीं मिला उस चीज के ऊपर तो हम वो फॉलो कर देंगे जो सदियों से चलता आ रहा है। क्या चीज बेटा? कस्टम। गेटिंग इट और नॉट? दिस इज हाउ यू शुड रीड लॉ। केस लॉ बहुत सारे हैं, डू वी नीड टू रेफर? नो।
unless and until the act fails to define. Is that done? Likho Malik. How to read law? So how to read law? सबसे पहले first refer to the act. Act में कुछ नाम मिले तो कहाँ जाएंगे बेटा? Case law. और case law में भी कुछ नाम मिले तो क्या follow करेंगे? Custom. टेन मालिक. अच्छा जी, अब जो बताने जा रहा हूं और ध्यान से सुनना. राइट सर, जब आप सीपीटी में थे, फाउंडेशन में थे, तब आपने जो एक्ट चालू किया वो चालू किया सेक्शन 2 से. कॉन्ट्रैक्ट एक्ट सेक्शन 2, सेल ऑफ गुड एक्ट सेक्शन 2, पार्टनरशिप एक्ट सेक्शन 2. क्यों सेक्शन 1 नहीं होता? सत्या आम्हाला काही माहित नाही. क्यों सेक्शन नाही? अब मतलब आप देखो ना, सेक्शन 2A, 2B, 2C, 2D, 1 काय? यस सर, आपने ये बात पूछनी चाहिए थी मास्टर से कि भाई साहब ये 1 है कहां? हर चीज चालू करते हो 2. अच्छा लॉ में नहीं होता होगा, वो मैथ्स नहीं है ना. होता है. अब जो कह रहा हूं वो मेरे इंटरनेट रिसर्च के बेसिस पे और बहुत अच्छी चीज है जो पता चली. ध्यान से सुनना, एक्ट में आप रीड एनी लॉ, हाउ सेक्शंस आर डिवाइडेड. ध्यान से सुनना, हाउ सेक्शंस आर डिवाइडेड. जनरली आप कोई भी एक्ट पढ़ते हैं तो इनके सेक्शंस का एक सीरीज होता है. राइट जब भी सेक्शन 1 ना मिले, सेक्शन 1 हमेशा होता है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट. सेक्शन 1 हमेशा होता है शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट, जिसका मीनिंग होता है शॉर्ट टाइटल. राइट सेक्शन जो होगा, जो एक्ट होगा, इसको एक शॉर्ट टाइटल दिया होगा. राइट एक्सटेंट वो खुद बताता है किस पे एप्लीकेबल है, किस पे एप्लीकेबल नहीं है. एंड वो खुद बताता है ये कब से एप्लीकेबल है, ये कब से एप्लीकेबल है. एंड हेंस वी राइट एस ई सी, सेक्शन बिकेम सेक्शन. क्योंकि हर सेक्शन सिर्फ एक नंबर नहीं होगा, उसको नाम होगा. हर सेक्शन ये बताएगा वो किस पे एप्लीकेबल है, किस पे नहीं. और हर सेक्शन वो बताएगा वो कब से एप्लीकेबल है. ना बताया तो जब से एक्ट आया तब से एप्लीकेबल. कितनों को जिंदगी में नई चीज पता चली, समझा? सेक्शन वर्ड आया कैसे? सेक्शन शॉर्ट टाइटल, सिर्फ नंबर नहीं होगा, उसे नाम होगा. 2A ऑफर शॉर्ट टाइटल. एक्सटेंट इट इज एप्लीकेबल टू हूम, कमेंसमेंट एप्लीकेबल फ्रॉम व्हेन. एंड एसईसी इनिशिएशन बिकेम सेक्शन. दिस इज हाउ आई हैव रीडेड ऑन द वेब एंड इट वॉज टू गुड. सर सेक्शन 1 के बाद हमेशा होता है सेक्शन 2. जनरली इंडिया में कोई भी एक्ट पढ़ो ये मिलना चाहिए डेफिनेशंस. सेक्शन 2 इंडिया के कोई भी जनरल एक्ट की, राइट ये आपको मिलती है डेफिनेशन. और सेक्शन 3 से लॉ मेकर को जितने सेक्शंस चाहिए वो उतने लगा देता है. बट पहले दो तो हमेशा कॉमन ही मिलेंगे आपको. ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इंटरव्यू में जब मैं गया समझने की कोशिश की, तब मुझे समझ में आया यार सिर्फ सीए 1 के काम नहीं चलेगा, थोड़ा सा डीप में जाना पड़ेगा. तो सेक्शन 1 हमेशा क्या मिलेगा बेटा? शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट,
सेक्शन टू हमेशा क्या मिलेगा बेटा, डेफिनेशन। इसके बाद लॉ मेकर को जितने सेक्शन चाहिए वो इसके पीछे लगा देगा। गेटिंग इट और नॉट? आज अपने दोस्त को सेक्शन क्या है बोलना, बोल नहीं नहीं तू बोल, बोलना नहीं बता पाएगा, बोलना सेक्शन वन ढूंढ के निकाल, नहीं बता पाएगा। फिर तुमको क्या मिलेगी, राइट डाउन हाउ सेक्शंस आर डिवाइडेड। वन इज ऑलवेज शॉर्ट टाइटल एक्सटेंड एंड कमेंसमेंट, टू इज डेफिनेशन। देन मालिक, चलो प्रभु। सो ये था तीसरा पार्ट, सेक्शंस 1, 2, 3। एवरीबॉडी हाउ टू रीड सेक्शंस, यहां तक के सबको समझ में आया प्रभु? चलो जीरो से एक बार चालू करते हैं। हमें कितने वर्ड पढ़ने हैं? 4। हम कितवा पढ़ रहे हैं? सिर्फ 1। एक्ट क्या होता है, एक्ट के साथ साथ क्या रीड करना पड़ता है, एक्ट में सेक्शंस कैसे होते हैं और बाकी सारी चीज़ें एक्ट से रिलेटेड। कुछ और भी चीज़ें हैं एक्ट से रिलेटेड, जरा ध्यान से सुनते हैं। सर एक्ट में क्या सिर्फ एक्ट होता है? दैट मीन्स कंटेंट ऑफ एक्ट। एक्ट में क्या सिर्फ एक्ट होता है? ना मुन्ना ना, इसमें शेड्यूल भी होता है और अनेक्स्चर भी होते हैं। हैव यू हर्ड द वर्ड शेड्यूल? नहीं, कास्ट के अलावा शेड्यूल, छोटा सा आइडिया, रफ आइडिया, शेड्यूल क्या होता है? परफेक्ट, टेबल और समथिंग, बिल्कुल सही बेटे। शेड्यूल्स में कंटेंट होते हैं फॉर्मेट्स या फिर एक डिटेल प्रिस्क्रिप्शन लिस्ट, टेबल्स सॉर्ट ऑफ, राइट? फॉर एग्जाम्पल जरा समझ के देखिए, आप जो अपना बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं, ये बनाते हैं एज पर शेड्यूल 3। उसमें कंटेंट होते हैं फॉर्मेट्स। सो एक्ट के पीछे भी फॉर्मेट्स है। ये मैं आपको इसलिए भी बता रहा हूं क्योंकि इंटरव्यू में जब गया था उन्होंने मेरे को बोला सेक्शन खोल के दिखा, सेक्शन तो भाई साहब अपने से जमे नहीं। तो उन्होंने बोला ठीक है कोई बात नहीं, एक काम कर शेड्यूल ओपन कर, शेड्यूल 4 ओपन कर, आई डोंट नो कौन शेड्यूल ओपन करने बोला। आपने को मालूम ही नहीं शेड्यूल रहते किधर, करेंगे क्या बेटा? एक बात याद रखना, जैसे ही सारे सेक्शन खत्म हुए, लेट्स से 298, इसके पीछे ही तुरंत लगे हुए होते हैं शेड्यूल्स। क्या लगे हुए होते हैं बेटा? शेड्यूल्स। शेड्यूल करते क्या है, ये फॉर्मेट देते हैं किसी चीज का, कोई चीज का फॉर्मेट देते हैं या फिर एक टेबल देते हैं कंटेंट पूरा का पूरा। फॉर एग्जाम्पल कितनी चीज के लिए कितनी फीस लगने वाली है, ये शेड्यूल्स के अंदर में लिखा हो सकता है, टेबल ऑफ फीस में। काहे में लिखा हो सकता है? टेबल ऑफ फीस। फॉर एग्जाम्पल कोई क्लाइंट आपके पास आया एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड ही सेड मुझे पैन नंबर निकालना है, कितने रुपए लगेंगे? तुम्हें कैसे पता चलता है उसे कितने फीस कोट करनी है? यू गो टू शेड्यूल, यू चेक सरकार को कितने देने हैं पैन के। वहां लिखा होता है सरकार को देने हैं पैन के लेट्स से 100 रुपए। इसके बाद तुम सामने वाले की शक्ल, अपनी अकल और मौके का फायदा उठा के जो बोलना है 100 के आगे बोल दो। बेटा अपन उस प्रोफेशन में जहां रेट लिस्ट नहीं है, आई होप आप समझ रहे हैं मेरी बात को, रेट लिस्ट नहीं है यहाँ पे। तो सामने वाले को जितना जो बोलना है आपके एक्सपीरियंस, सामने वाले की क्षमता देख के 100 के आगे कुछ भी लगा दे। समझ में आ रही है बात? सो इस तरीके से शेड्यूल का यूज किया जाता है। व्हाट इज शेड्यूल? शेड्यूल कंटेन फॉर्मेट्स और टेबल रिक्वायर्ड टू फुलफिल द पर्पज ऑफ एक्ट, रिक्वायर्ड टू फुलफिल द पर्पज ऑफ एक्ट। सर शेड्यूल कहां मिलेगा? बिल्कुल सेक्शन खत्म होते ही आपको क्या मिल जाएगा बच्चे? शेड्यूल।
अच्छा जी सर, शेड्यूल ये होता है तो अनेक्स्ट क्या होता है? व्हाट इज अनेक्स्ट देन? जैसे उन्होंने बोला कि भैया शेड्यूल तो ये है, तो अनेक्स्चर क्या होता है? व्हाट इज अनेक्स्चर? रफ आइडिया, एकदम रफ, कि हाँ भैया ये अनेक्स्चर है जी सर, इंडेक्स टाइप रहता है, बिल्कुल सही जवाब। अंडरस्टैंड कीजिए, कई बार एक्ट को फ्रेम करते करते कई जगह पे शॉर्टकट्स यूज हो जाते हैं। लेट्स गिव एन एग्जांपल, SBI। नाउ वी ऑल नो SBI का फुल फॉर्म क्या है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। बट आपको तो पता है लॉ है, क्लैरिफाई करना जरूरी है। अनेक्स्चर में इसके फुल फॉर्म्स दे दिए जाएंगे, यस और नो? अनेक्स्चर्स में इसके फुल फॉर्म दे दिए जाएंगे दैट यस, SBI स्टैंड्स फॉर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, ऐसा। सो अनेक्स्चर्स क्या होते हैं? अनेक्स्चर्स होते हैं एक्सप्लेनेशन टू द टर्म्स यूज्ड इन एक्ट और रूल्स। सो इट कंटेन द एक्सप्लेनेशन ऑफ द टर्म्स यूज्ड इन एक्ट और रूल्स, इसे हम कहते हैं अनेक्स्चर। मालिक डन। चलो वापस से एक बार फिर से समझते हैं, रिवीजन नंबर 3। व्हाट डू यू मीन बाय एक्ट? एनी एनएक्टमेंट पास बाय द पार्लियामेंट। व्हाट इज सेक्शन? डिवीजन ऑफ एन एक्ट इन अ सिस्टमैटिक मैनर, ठीक है साहब। व्हाट इज नोटिफिकेशन? कम्युनिकेशन ऑफ एनी चेंज, ठीक है। व्हाट इज सर्कुलर? क्लैरिफिकेशन ऑफ एनी डाउट्स। शेड्यूल कहाँ मिलेगा? आफ्टर दी सेक्शंस। और शेड्यूल खत्म होते ही उसके पीछे क्या रहेगा? अनेक्स्चर। यानी जब आप एक्ट उठाएंगे, इनकम टैक्स एक्ट उठाएंगे, सबसे पहले मिलेंगे बेटा आपको सेक्शन, फिर मिलेंगे शेड्यूल, फिर मिलेगा अनेक्स्चर। ये मुझे इंटरव्यू में नहीं समझा, और जब तक समझ में आया तब तक बहुत लेट हो चुका था। बट आप ऐसे नहीं रहेंगे, समझ में आई बात? एक्ट उसने बोला, तुरंत खोल के दिखाने, पहले सारे सेक्शंस रहेंगे, सेक्शंस के बाद शेड्यूल रहेंगे, और शेड्यूल के बाद क्या मिलने हैं बच्चे? अनेक्स्चर। क्लियर है मेरे भाई? ओके ब्रो, चलो कुछ और भी बातें डिस्कस कर लेते हैं। सर अगर हम कुछ और बातें डिस्कस करें तो अब एक और सवाल खड़ा होता है हम सभी के सामने। Should I tell you or should I show you? तो बात उन दिनों की थी जब एक दिन, राइट, ये मेरा भाई घर पे सो रहा था। भाई तेरा नाम क्या है? महेश। तो महेश अपने घर पे सो रहा था, ठीक है। चिल पेन वेन नीचे रख दो, हर बार पढ़ना नहीं होता जिंदगी में, नीचे रखो पेन, अब जरा मजे लो। तो सर महेश सो रहा था, इतने में गेट पे बेल बजी, टिंग डोंग। महेश तुरंत उठा, कपड़े पहना, वो पहना हुआ ही था, अच्छे कपड़े पहना, तुरंत आया। महेश ने गेट खोला, जैसे ही महेश ने गेट खोला, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाला ऑफिसर, आपके घर पे रेड पड़ी है, बाजू हटो। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले जैसे ही अंदर गए, बेड पे देखा, चद्दर में पूरी सल सल पड़ी है। जैसे हमने चद्दर हटाई, एक मिनट, अरे सुन रे, चला टेंशन मत ले, ठीक है। जैसे उनने चद्दर हटाई, उन्हें कुछ नहीं मिला। अचानक से बाथरूम में टिप टिप टिप, उन्हें समझ आ गया कहां जाना है। जैसे ही बाथरूम का गेट खोला, बाल्टी में पानी गिर रहा था, पर मैं तुम्हारी इमेजिनेशन की दाद दूंगा। सुन रहे? अरे सुन रहे भाई। उन्होंने टाइल्स वाइल्स देखी, एक हाथ टाइल को हाथ लगाया, ऐसा फोड़ा, अंदर से सोने के बिस्किट। बाथरूम में एक पर्दा भी था। ये तुरंत गए,
ला 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 ला। वहां पे 2,000 की गड्डियां रखी थी। इसे बाहर निकाला गया। वो बाहर आए, उन्हें बेड के नीचे कुछ दिखा। प्रॉपर्टी के पेपर रखे थे। इनकम टैक्स का क्लास चालू है, बायोलॉजी नहीं। तो जो तुम सोच रहे हो ना, वो मिलने नहीं वाला है एंड तक। जो तुम सोच रहे हो ना भाई, वो एंड तक नहीं मिलने वाला है। ये पता है क्या है, ये तन्हाइयों की जो आवाजें है ना, ये बंद करो। ये जो तुम्हारी तन्हाइयों की आवाज आ रही है, इसको बंद करो जरा, ठीक है? सुनो, सीरियसली, अब तक क्या क्या मिल गया? अरे गोल्ड के बार्स, कैश, प्रॉपर्टी के पेपर्स। उन्होंने देखा पर्दे के नीचे जूते रखे हैं। जूते जेंट्स के तो नहीं थे। उन्होंने पर्दा सरकाया। वहां पे बहुत सारे डायमंड्स रखे थे एक बॉक्स में। इन सब चीजों को लेके आए, और एओ, असेसिंग ऑफिसर इज कॉल्ड एज एओ, इनकम टैक्स ऑफिसर, इनकम टैक्स ऑफिसर टू महेश, हाँ बोलो, चलो ये सब सीज होगा, आपके घर पे रेड पड़ी है एंड यू नीड टू पे द टैक्स, चलो कमन कर लो। महेश, ए एक मिनट सुन, ए चुप, चिल चिल, तुम हो कौन? सुबह सुबह आ गए मेरे घर में, इधर जा रहे उधर जा रहे, टाइल फोड़ दी, ये कर दिया, हो कौन? हम इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से, आपको टैक्स देना होगा, आपने इतनी सब ब्लैक मनी जमा करके रखा है। हाँ तो किया, तुम्हें किसने अधिकार दिया मेरे घर में घुसने का और टैक्स कलेक्ट करने का? ये जो तुम पावर एक्सरसाइज कर रहे हो मेरे घर पे आके रेड मारने का, ये तुम्हें आया कहां से? किसने तुम्हें अधिकार दिए मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी में एंटर करने का, मेरी प्राइवेसी भंग करने का? कॉन्स्टिट्यूशन राइट देता है भाई हमें, कॉन्स्टिट्यूशन हमें फ्रीडम देता है, हम कुछ भी कर सकते हैं। पावर कहां से आया तुम्हारे पास? अच्छा मैंने कमाया है, नहीं मैंने कमाया, क्या कर लोगे? सपोज मैं हूं महेश और तुम सब हो इनकम टैक्स ऑफिसर, तुम सब मेरे घर पे रेड मारने आए हो, क्या मैडम टैक्स वसूलेंगे आप मेरे से? अरे शर्माइए मत, टैक्स कलेक्ट करेंगे आप मेरे से? नहीं दूंगा। टैक्स कलेक्ट करेगा मेरे से? नहीं दूंगा। कौन टैक्स कलेक्ट करेगा मेरे से? किसको बलिदान देना होगा? जो टैक्स कलेक्ट करने आएगा उसको बलिदान देना होगा। कौन है टैक्स कलेक्ट करना? आप टैक्स कलेक्ट करेंगे मैडम मेरे से? नहीं दूंगा। अबे क्या कर लोगे? नहीं देना टैक्स, क्या कर लोगे? व्हाट आर द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ नॉट पेइंग टैक्स? नहीं देना मेरे को, क्या कर लोगे बोलो? मैडम आप टैक्स कलेक्ट करेंगे मेरे से? कलेक्ट करेंगे? नहीं दूंगा। भाई तू कलेक्ट करेगा? नहीं दूंगा। काय करना? पुलिस को बुलाएंगा। ओ बुलाओ, पुलिस मेरे को क्या करेंगे? जेल में डालेंगे। अच्छा है मेरी बीवी किरकिर करती, मैं जेल में ठीक है, दो वक्त का खाना फ्री। मैंने नहीं देना टैक्स, क्या कर लेना है तुमने? प्रॉपर्टी सीज कर दोगे, उससे क्या हो जाना है? से बेच तो पाओगे नहीं, विदाउट अ गुड राइट यू कैन नॉट सेल, सेल ऑफ गुड एक्ट, तुम्हारे पास ही टाइटल नहीं, सेल कहां से करोगे? नहीं क्या कर लोगे? इस पूरे चित्र से आपको दो चीजें समझनी है, ये पूरी स्टोरी जो मैंने यहां क्रिएट की, यहां से आपको दो चीजें समझनी है। पहला, whether income tax department has got power to enter in your property and collect the black money, point one, and if yes
how this power came to them. Because at the same time, Constitution has given the power of freedom and privacy. At the same time, they are breaching it. How? ये पावर कहां से आया? और मैं जो टैक्स पे कर रहा हूं वो किसको जा रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है, स्टेट गवर्नमेंट को जाता है, अगर जाता किसको है? तीसरा क्वेश्चन इस पूरे वाक्य से आपको ये समझना है कि अगर मैंने इनकम टैक्स पे नहीं किया तो मेरे साथ हो क्या जाएगा? सो ये जितना मैंने सीन यहां क्रिएट किया, इससे आपको तीन चीजें समझनी है. क्या क्या? जल्दी बोलो. पहला, पावर कैसे है इन्हें टैक्स कलेक्ट करने का. दूसरी चीज कॉन्सिक्वेंसेस, मैंने टैक्स पे नहीं किया तो क्या हो जाएगा. तीसरी चीज क्या समझनी है? हाँ जी, किसको पे करते हैं हम टैक्स. ये तीन बातें समझनी पड़ेगी जिसके लिए इतना सीन क्रिएट किया गया. आइए जरा समझते हैं इन तीन बातों को. सर, ये पावर आता है द मदर कॉन्स्टिट्यूशन से. इंडिया में अगर कोई भी एक्ट बनता है तो उसको कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी होनी जरूरी है, क्योंकि आप कोई भी काम संविधान के बगैर नहीं कर सकते. जो संविधान उन्हें फ्रीडम ऑफ राइट देता है, फ्रीडम देता है, वैसे ही इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी इस अधिकार को लिमिट में यूज करने का राइट होना चाहिए. तो हम सबसे पहले गए कॉन्स्टिट्यूशन के पास, इस लेडी के पास, इससे पूछा कि इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के क्या पास क्या पावर है, और ये पावर है तो वो आया कहां से. ये पावर आता है बेटा आर्टिकल 265 से. कहां से आता है बोलो? आर्टिकल 265 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. सो आइए सारा डीप में जाते हैं और प्यार से समझते हैं इनकम टैक्स का लगाने का पावर, कलेक्ट करने का पावर या रिकवर करने का पावर आया तो आया कहां से. आर्टिकल 265 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, यू नीड टू रीड विथ मी लाउडली. एवरीबडी रीड विथ मी लाउडली. रीड करो जरा लाउडली. नो टैक्स कैन बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ. फिर से रीड कीजिए. नो टैक्स कैन बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ. अब थोड़ा स्लो मोशन में रीड करना. नो टैक्स कैन बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ. आइए एक एक वर्ड को जरा हम डिस्कस करते हैं. सबसे पहले उन्होंने बताया नो टैक्स कैन बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ. मतलब ये वर्ड को जो फ्रेम किया गया है पूरा नेगेटिव फ्रेम किया है, थोड़ा उल्टा जाते हैं. सबसे पहली बात उन्होंने कहा लॉ. लॉ मतलब क्या, जरा समझ के देखते हैं. इमेजिन ऐसा हो सकता है क्या, वन फाइन डे अगेन हमारे प्रधानमंत्री साहब आए, उन्होंने बोला भाई और बहनों आज से हम एक नया टैक्स लगा रहे हैं, मोदी टैक्स. कैन ही डू सो? क्यों? 500,000 के नोट तो बंद किए थे. तो क्या देश के प्रधानमंत्री आकर के ऐसा कह सकते हैं? चलिए फाइनेंस मिनिस्टर आके बोलते हैं आज से हम एक नया टैक्स लगा रहे हैं, एंटरटेनमेंट टैक्स. क्या वो ऐसा कर सकते हैं? आंसर इज नो. आर्टिकल 265 कहता है कोई भी नया टैक्स लगाना है या कलेक्ट करना है, इट कैन बी डन ओनली इफ देयर इज अ लॉ. जिसका मतलब यह है कोई भी टैक्स लगाया जाएगा, लेवी किया जाएगा, दैट इज इंपोज्ड. अगर एक एक वर्ड के ऊपर फोकस किया जाए, कोई भी टैक्स नहीं लगाया जाएगा जब तक लॉ की अथॉरिटी ना हो, मतलब देयर शुड बी एन एक्ट. दूसरा, लेवी करना मतलब क्या करना, इंपोज करना, कोई टैक्स न लगाया जाएगा. कलेक्ट करना मतलब क्या करना, कलेक्ट करने का मतलब होता है बेटा कलेक्शन और रिकवरी, कलेक्शन और रिकवरी. सो नो टैक्स मतलब किसी भी तरह का टैक्स न इंपोज किया जा सकता है, न कलेक्ट किया जा सकता है, जब तक वहां दो चीजें ना हो, एक अथॉरिटी चाहिए जो इसे कलेक्ट करे और एक लॉ चाहिए जिसके तहत इसे कलेक्ट किया जाए. आई रिपीट अगेन, पूरा नेगेटिव वर्ड था इसको हमने पॉजिटिव में कन्वर्ट कर दिया. वापस से एक बार, नो टैक्स कैन बी लेविड और कलेक्टेड एक्सेप्ट बाय अथॉरिटी ऑफ लॉ, आर्टिकल 265 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. हमने समझा लॉ क्या कह रहा है, बोलते हैं कोई भी टैक्स कलेक्ट करना है, इंपोज करना है या कलेक्ट करना है, पहली बात तो चाहिए अथॉरिटी और दूसरी बात चाहिए लॉ.
लॉ मतलब कोई एक्ट चाहिए. डू वी हैव अ एक्ट? यस. कौन सा एक्ट बेटा? इनकम टैक्स एक्ट. सो टैक्स कैन नॉट बी इम्पोज जस्ट बाय अ वर्ड और लेट से पीएम मोदी ऑन द नोट बैंड. वी नीड टू एक्ट टू इम्पोज दैट पर्टिकुलर लॉ. तो सबसे पहली बात यहां से शुरू होती है, क्या हम कोई नया चीज ला सकते हैं जब तक के कोई लॉ ना बनाया जाए? नहीं. इसीलिए देखिए, जब तक के यू नो कोई एक्ट नहीं बन जाता, वो सिर्फ एक बिल रहता है. वो सिर्फ क्या रहता है बेटा? एक बिल. और उस बिल को इम्पोज नहीं किया जा सकता. ट्रिपल तलाक बिल बिकेम्स ट्रिपल तलाक एक्ट. समझ में आई बात? सो सबसे पहले ये लिखिए, आर्टिकल 265 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हेडिंग दीजिए कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ इनकम टैक्स. हेडिंग दीजिए कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ इनकम टैक्स. नो टैक्स. अब तक हमने टैक्स वर्ड छुआ तक नहीं है, हम सिर्फ एक ही वर्ड पढ़ रहे हैं, एक्ट. नो टैक्स कैन बी लेविड और कलेक्टेड. बेटा लेवी मतलब क्या होता है? इम्पोज करना. कलेक्ट मतलब कलेक्शन और रिकवरी. न कलेक्ट किया जा सकता है और आपने प्यार से कलेक्शन नहीं दिया तो रिकवर भी नहीं किया जा सकता. अथॉरिटी मतलब वहां चाहिए कोई ना कोई बॉडी. लॉ मतलब चाहिए एक्ट. Is that done? अच्छा, तो लॉ तो हमारे पास है, इनकम टैक्स एक्ट. पर अथॉरिटी क्या है? पूछो ना क्या है. अरे पूछो ना क्या है. अब हमें चाहिए थी एक अथॉरिटी, एक बॉडी. सर अनादर आर्टिकल, आर्टिकल 245 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये कहता है पार्लियामेंट शैल बी द अथॉरिटी. वर्ड पढ़िएगा, सब्जेक्ट टू प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल मे मेक लॉ फॉर होल ऑफ इंडिया. अथॉरिटी कौन होगी? इंडिया में जब भी कोई लॉ पास करना होगा इसे पार्लियामेंट्री प्रोसेस से जाना होगा. इसे कहां से जाना होगा? पार्लियामेंट्री प्रोसेस से जाना होगा. पार्लियामेंट इसके ऊपर लॉ बनाएगी, डिस्कशन होंगे, एक दूसरे के ऊपर चेयर फेंकी जाएगी और फिर जाके ये लॉ बनेगा. तो अभी आप रीसेंट टाइम्स में देखेंगे जब आर्टिकल 370A हटाया, ट्रिपल तलाक, इनके ऊपर तीखी बहस हुई और बहस के बाद जब वोटिंग हुई तब जाके वो एक्ट बनने जा रहे हैं. समझ में आ रही बात? एक और पार्ट लिखिए, आर्टिकल 245. तो अथॉरिटी कौन होगी? अथॉरिटी कौन होगी बेटा? पार्लियामेंट. अच्छा एक सवाल पूछना है मेरे को सबसे, पार्लियामेंट लॉ बनाएगी या उसे पास करेगी? पास करेगी. एक बात समझ के रखिए, पार्लियामेंट में अब तक इतने समझदार लोग भी नहीं है जो लॉ बना दे. भाई साहब पार्लियामेंट में इतने समझदार लोग भी नहीं है जो लॉ बना दे, वो उसे पास करेंगे. लॉ बनाने का काम किसी और का है, डिस्कस करेंगे किसका है. सो सब्जेक्ट टू प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन पार्लियामेंट मे मेक लॉ फॉर द होल ऑफ इंडिया. अब जरा ध्यान से सुनना, पहली बात, इशू चालू हुआ था टैक्स लगाने का पावर आया कहां से? तो हम और जीरो में चले गए, और बेसिक में चले गए, और एवरेज में चले गए. पहली चीज हमें पता चला, अगर हमें कोई भी टैक्स लगाना है तो हमें एक लॉ चाहिए, एक अथॉरिटी चाहिए. फिर हम ढूंढने गए अथॉरिटी कौन होगी. आर्टिकल 245 ने कहा पार्लियामेंट विल मेक लॉ. लॉ पास करने का पावर किसके हाथ में है? पार्लियामेंट.
बट एट द सेम टाइम पार्लियामेंट पास करेगा तो लेवी और कलेक्ट कौन करेगा? हमें लॉ वर्ड तो समझ गया, अथॉरिटी वर्ड समझ गया, लॉ मतलब एक्ट चाहिए, अथॉरिटी मतलब उनने बोल दिया पार्लियामेंट, पर लेवी और कलेक्ट कौन करेगा? लेवी और कलेक्ट करने के लिए इन्होंने तीसरी चीज बनाई, तीसरा आर्टिकल यूज किया, और वो आर्टिकल था आर्टिकल 246, जिसने पावर दिया, कुछ पावर्स दिए यूनियन के हाथ में, कुछ पावर दिए स्टेट के हाथ में, और कुछ पावर दिए दोनों के हाथ में। बड़े ध्यान से अगले 10 मिनट रुकना, 10 मिनट बाद ब्रेक दूंगा, ध्यान से सुनना। पार्लियामेंट लॉ पास करेगी, लेकिन कलेक्ट करना टैक्स को और टैक्स को लेवी करना, इसके लिए चाहिए थी एक बॉडी, एक परमानेंट बॉडी, क्योंकि सरकार तो हर 5 साल में आएगी, 5 साल में जाएगी, हमें चाहिए एक परमानेंट बॉडी जो परमानेंटली कलेक्ट करे, परमानेंटली इसे यूज करे। इसीलिए कुछ पावर्स दे दिए गए सेंटर के हाथ में कि कुछ डिसीजन सिर्फ सेंटर ही लेगा, कुछ डिसीजन दे दिए स्टेट के हाथ में, और कुछ डिसीजन दोनों मिलकर डिसाइड करेंगे। इनकम टैक्स कहां कवर हुआ? इनकम टैक्स आया यूनियन में, और उसकी एंट्री नंबर 82 पे, उसकी एंट्री नंबर 82 पे। व्हाट इज एंट्री नंबर 82? यूनियन को जितने काम दिए गए थे लाइक डिफेंस, ऐसा सब एक लिस्ट में लिखा गया, उस लिस्ट के एंट्री नंबर 82 पे मिला इनकम टैक्स। वर्ड पढ़िए क्या था, टैक्सेस ऑन इनकम अदर देन ऑन एग्रीकल्चर। ये हुआ आपके पहले सवाल का जवाब। मैं जो टैक्स देता हूं ये किसके पास जाता है? गवर्नमेंट। कौन सी, स्टेट या सेंटर? सेंटर। दूसरी बात, क्या आप पे टैक्स लगाने का पावर है? हाँ, एंट्री नंबर 82। अब महेश के घर में जिन लोगों ने रेट डाली थी, क्या उनके पास पावर था लेवी या कलेक्शन? कलेक्शन में कितने वर्ड थे मेरा? दो, कलेक्शन और रिकवरी। तो क्या उनके पास पावर था? यस। ये पावर आया कहां से? एंट्री नंबर 82। ये है उसका फुल प्रूफ कि अगर आज आपसे इनकम टैक्स वसूला जा रहा है, इसको क्या कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है? यस। प्यार से आप दे देंगे, ठीक है। रिकवरी का भी पावर है अपने पास, आर्टिकल 265, रीड विथ 245, रीड विथ 246, यूनियन लिस्ट, एंट्री नंबर 82। दिस इज MCQ। मैंने कहा था पढ़ो तो हद कर दो, वरना प्रोग्राम रद्द कर दो, कि अगर आज आपसे टैक्स वसूला जा रहा है, ये है उसके पीछे की फुल प्रूफ हिस्ट्री, क्यों वसूला जा रहा है। सो एवरीबॉडी, फटाफट एक बार, कहां से चालू किए थे? महेश के घर में रेड पड़ी थी, हमारे पास में एक सवाल आया, क्या रेड में ये लोग कलेक्ट करने का पावर रखते हैं? यस। हम इसके लिए पहला आर्टिकल खोदा, क्योंकि वो बोल रहा था मेरी फ्रीडम प्राइवेसी तुमने इफेक्ट कैसे की, मुझे कॉन्स्टिट्यूशन ने फ्रीडम दिया है। हमने बोला चिल, हम भी तेरे पे कॉन्स्टिट्यूशन लेके आते हैं। हम गए कॉन्स्टिट्यूशन लेने, पहला आर्टिकल पढ़ा, आर्टिकल नंबर 265, जिसने हमें कहा कोई भी टैक्स लगाना है या कलेक्ट करना है, अथॉरिटी चाहिए, लॉ चाहिए। लॉ हमको क्लियर हो गया, इनकम टैक्स एक्ट। अथॉरिटी के लिए हम गए आर्टिकल नंबर 245 पे, उसने कहा पार्लियामेंट इस लॉ को पास करेगा, पर हमें एक बॉडी चाहिए थी जो कलेक्ट करे और रिकवर भी करे। इसीलिए ये पावर डिवाइड हो गए, कुछ पावर गए सेंटर के हाथ में, कुछ पावर गए स्टेट के हाथ में, कुछ पावर गए बोथ के हाथ में। इनकम टैक्स का पावर किसके हाथ में गया? सेंटर के हाथ में। एंट्री नंबर 82, कौन सी लिस्ट? यूनियन लिस्ट। ये है MCQ। पर एक पॉइंट, वर्ड क्या लिखा था एंट्री नंबर 82 में? टैक्सेस ऑन इनकम अदर देन ऑन एग्रीकल्चर। तो सर क्या एग्रीकल्चर पे टैक्स कलेक्ट नहीं किया जा सकता? ना मुन्ना ना, सेंट्रल कलेक्ट नहीं कर सकता, कौन कलेक्ट करेगा? स्टेट। एंट्री नंबर 46, टैक्स ऑन एग्रीकल्चर। आज जाना दोस्त को पकड़ना, इधर इधर चल चल इधर, इनकम टैक्स अपन पे कर दो। इनकम टैक्स कौन कलेक्ट कर सकता है, सेंटर या स्टेट? वो आपको कुछ नहीं बोलेगा, वो बोलेगा सेंटर। अच्छा, और एग्रीकल्चर पे वो कुछ नहीं बोल पाएगा, आपने उसे बताना बेबी इनकम टैक्स सेंटर, एग्रीकल्चर पे इनकम टैक्स स्टेट।
एंट्री नंबर 8246 ओके भाई, समझ में आया क्या? तुमसे ना हो पाएगा, जाओ। सो अब एक नया लॉ आया, नया लॉ कौन सा था बेटा? जीएसटी। जीएसटी में सेंटर का रोल भी था और स्टेट भी थे, क्योंकि जीएसटी में एक्साइज एक्ट भी आया और वैट और सर्विस टैक्स भी मर्ज किया गया, तो स्टेट भी मर्ज हुआ, सेंटर भी मर्ज हुआ। इसीलिए दोनों मिल करके डिसीजन लेते हैं, और जहां दोनों मिल करके डिसीजन लेते हैं उस लिस्ट को हम कहते हैं कॉन्करेंट लिस्ट। क्या कहते हैं बेटा? कॉन्करेंट लिस्ट। और जीएसटी कहाँ कवर्ड है? कॉन्करेंट लिस्ट। आपको बड़े भाई विशाल सर बताएंगे। क्लियर है मालिक? अब बताइए, महेश के घर में जो रेड पड़ी थी, इससे आपको तीन सवाल के जवाब मिले। पहला, आप जो टैक्स पे करते हैं ये सेंटर या स्टेट? दूसरी बात, क्या कॉन्स्टिट्यूशनली वो हमसे कलेक्ट कर सकते हैं क्या? नहीं आपने दिया, रिकवर कर सकते हैं क्या? यहां तक के क्लियर हो गया? सवाल कितने थे? तीन। कौन कौन से? टैक्स किसको पे करना है, क्लियर हो गया। दूसरा, पावर है क्या? हाँ। तीसरा सवाल क्या था? रिकवर हो सकता है क्या? हाँ। समझ में आई बेटा बात? अब बनाओ ये थर्ड, लिखिए आर्टिकल 246, और जिस तरीके से बनाया उस तरीके से ही बनाइए। लिस्ट इज गिवन बाय कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल 246 शेड्यूल 7। Is that done, मालिक? तो बताओ, इनकम पे टैक्स कलेक्ट करने का पावर किसके पास है? सेट सेंटर। एग्रीकल्चर इनकम पे टैक्स कलेक्ट करने का पावर, क्लियर हो गया सेट? दैट्स इट। जिसका हो गया लिख के, हैव अ फैंटास्टिक ब्रेक, मिलते हैं ब्रेक के बाद। सॉरी, 2 घंटे खत्म हो गए, चेक कीजिए, 4 बज चुके हैं। हैव अ ब्रेक, आपको ऑलमोस्ट बाहर चाय वगैरह मिलेगी, वो देख लेना, राइट? एंड ब्रेक के बाद मिलते हैं। ब्रेक शुड नॉट एक्सटेंड 5 to 10 minutes, ठीक है? जल्दी से 5-10 मिनट में वापस आ जाओ। बाय बोलो।
चलिए साहब, वेलकम आफ्टर द ब्रेक। अब तक हमने कितने वर्ड पढ़े? सिर्फ एक। हमें पढ़ना क्या क्या था? इनकम टैक्स एक्ट 1961। अब तक इतनी देर से हम सिर्फ एक वर्ड पढ़े जा रहे थे, एक्ट। एक्ट क्या होता है, सेक्शन क्या होता है, एक्ट में क्या इंक्लूड होता है, क्या इंक्लूड नहीं होता, एक्ट के पीछे क्या होता है, एक्ट के अंदर सेक्शन कैसे रखे जाते हैं, केस लॉ और एक्ट भिड़ गए तो क्या होगा, रूल्स नोटिफिकेशन भिड़ गए तो क्या होगा, सो ऑन एंड सो फोर्थ। अब हम दूसरे वर्ड पे आते हैं, आज का दूसरा वर्ड। दूसरा वर्ड है मालिक आज का टैक्स। ओरिजिनली जो हमें पढ़ना है उस वर्ड पे आ जाते हैं। सर, दूसरा वर्ड है टैक्स। लेट अस फोकस ऑन दिस वर्ड। बेटा, आपने जिंदगी में दो वर्ड जरूर पढ़े होंगे, एक तो टैक्स, दूसरा ड्यूटीज। मतलब सोच के देखिए कैसे पॉसिबल है। आपको तो मैं बहुत एवरेज बच्चों में तो जीरो से पढ़ना पड़ता है। कई जगह पे वर्ड लिखा है यू नो टैक्स, कई जगह पे वर्ड यूज हो रहा है ड्यूटीज। क्या वर्ड यूज हो रहा? ड्यूटीज। फॉर एग्जाम्पल, कस्टम ड्यूटी, एक टाइम था एक्साइज ड्यूटी, सर्विस टैक्स, इनकम टैक्स। तो ऐसा ये टैक्स और ड्यूटी में क्या फर्क है? क्या फर्क क्या है टैक्स और ड्यूटीज के अंदर में? मैं तो कहता हूं दोनों सेम है। से यस, से यस। अरे मैं कह रहा हूं दोनों सेम है, तो डिफरेंस बताइए। तो एक देश से दूसरे देश में होगा तो ड्यूटी, ऐसा मेरा भाई कह रहा है। ड्यूटी सबके लिए रहती, टैक्स सबके लिए नहीं होता। अच्छा, और कुछ डिफरेंस है दोनों में? क्योंकि देखो ना, ऐसा कैसे हो सकता है कुछ जगह पे वर्ड यूज कर रहे ड्यूटीज, कुछ जगह पे वर्ड यूज कर रहे टैक्स, मतलब दोनों में ऐसा इतना बड़ा डिफरेंस होगा क्या? ऐसा कैसे पॉसिबल है दोनों में इतना बड़ा वाइड डिफरेंस क्रिएट करना? बताऊं, चाय पिलाओगे आप मुझे? चाय पिलाओगे क्या? पक्का पिला दोगे? देखिए सर, टैक्सेस वहां यूज होता है जहां पे सब्जेक्ट मैटर गुड्स नहीं है। सुनिए जिसका मीनिंग क्या है। अगर सब्जेक्ट मैटर जो डील हो रहा है, इफ सब्जेक्ट मैटर इज गुड्स, हम हमेशा ड्यूटीज वर्ड यूज करते हैं। इफ द सब्जेक्ट मैटर इज नॉट जस्ट गुड्स, हम वर्ड यूज करते हैं टैक्सेस। सो इफ सब्जेक्ट मैटर is goods, we use the word duties. If subject matter is other than goods, we use the word tax. अगर सब्जेक्ट मैटर गुड्स है तो हम ड्यूटी वर्ड यूज करते हैं। जैसे आउट ऑफ इंडिया से कुछ गुड्स इंडिया लेके आना, कस्टम ड्यूटी, क्योंकि सब्जेक्ट मैटर ही गुड्स है। पर अगर सब्जेक्ट मैटर गुड्स ना हो तो हम जो वर्ड यूज करते हैं दैट इज टैक्सेस। समझ में आई बात? पर क्या टैक्स में सिर्फ टैक्स कलेक्ट किया जाता है, या टैक्स कितने प्रकार के होते हैं? ये और दो चीजें जो मेरे मन में आती है, आइए सर समझते हैं। टाइप ऑफ टैक्स, भाई साहब इस धरती पे दो तरीके के टैक्सेस हैं। एक होता है डायरेक्ट टैक्स, दूसरा होता है इनडायरेक्ट टैक्स। डू वी अग्री? टैक्सेस दो प्रकार के हैं, वन इज द डायरेक्ट टैक्स, अनदर वन इज इनडायरेक्ट टैक्स। व्हाट डू यू मीन बाय डायरेक्ट टैक्स एंड व्हाट डू यू मीन बाय इनडायरेक्ट टैक्स? डायरेक्ट टैक्स इज paid by person directly. It's a kind of a personal tax. It's a kind of a personal tax wherein the person receiving the income pays the tax. Indirect tax is collected from another person and paid to government. Indirect taxes are collected from another person and paid to government. Let me give you a simple and quick example.
We all go to Domino's. Let's say you select a pizza of rupees 100. But whether you pay only 100 rupees or you pay 128, let's say, along with the taxes. So they are collecting 128 rupees. That 28, supposing GST is 28%, that 28 denotes the taxes which they collected from you and pay to government. So jo ab aap dusron se collect karke pay kare, that is called as indirect tax. Direct tax is personal liability. ये आप किसी और के ऊपर शिफ्ट कर सकते हैं नहीं. फॉर एग्जाम्पल आई अर्न द इनकम और मैंने मेरे भाई को बोला प्लीज तू पे टैक्स करना, प्लीज पॉसिबल है क्या? नहीं. यू कैन नॉट शिफ्ट द लाइबिलिटी. यू कैन नॉट शिफ्ट द लाइबिलिटी. सो डायरेक्ट टैक्स इज कॉल्ड एज पर्सनल टैक्स, व्हाइल इनडायरेक्ट टैक्स इज कॉल्ड एज इम्पर्सनल टैक्स. Liability is borne by person it is collected from another person and paid to government. It is collected from another person and paid to government. Third, direct tax में तीन टैक्स आते थे. जरा ध्यान से सुनिएगा. डायरेक्ट टैक्स में तीन टैक्स आते थे, इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स. जरा ध्यान से सुनिए. डायरेक्ट टैक्सेस में तीन टैक्स आते थे. कौन कौन से तीन टैक्स आते थे साहब? इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स, गिफ्ट टैक्स. सुनिए ना बेटा, गिफ्ट टैक्स हो गया अबॉलिश. ये क्या हो गया? अबॉलिश्ड. अबॉलिश मतलब इस एक्ट को हटा दिया गया और इनकम टैक्स का पार्ट बना दिया गया. इन वेल्थ टैक्स मोदी गवर्नमेंट आई और उन्होंने हटा दिया, ये टैक्स भी हट गया. मतलब डायरेक्ट टैक्सेस में एज ऑफ नाउ सिर्फ एक ही चीज कलेक्ट हो रही है, वो है इनकम टैक्स. समझ में आया क्या? क्लियर है? इनडायरेक्ट टैक्सेस में क्या क्या था मालिक? इनडायरेक्ट टैक्सेस के अंदर में था एक्साइज, कस्टम, सर्विस टैक्स, वैट. मेजरली चार, एक्साइज, कस्टम, सर्विस टैक्स, वैट. मैं आपको बता दूं, उन्होंने एक्साइज कट कर दिया, सर्विस टैक्स कट कर दिया, वैट कट कर दिया और ले देके अब सिर्फ बचा है जीएसटी एंड कस्टम्स. डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स कंबाइंड करके आपका सिलेबस बना टैक्स. समझ में आई बात? विजय सर, विशाल सर बिकेम टैक्स. सिंपल. 60 मार्क्स, इसीलिए मैं थोड़ा सा फैटी. 40 मार्क्स, विशाल सर थोड़े से. समझ में आई? सो ध्यान से समझिएगा, व्हाट इज डायरेक्ट टैक्स? डायरेक्ट टैक्स आप खुद की लाइबिलिटी बेयर करते हो, इनडायरेक्ट टैक्स दूसरों से कलेक्ट करके पे करते हो. लेट्स गिव एन एग्जांपल. मान लीजिए मैंने ऑडिट सर्विसेज दी, ऑडिट सर्विसेज दी, 10 लाख का बिल रेस किया, बराबर है? मैं क्या पे करूंगा? इनकम टैक्स, जीएसटी या बोथ? मैं क्या पे करूंगा? इनकम टैक्स, जीएसटी या बोथ? सर बोथ. पूछो कैसे? इनकम टैक्स मैं 10 लाख पे करूंगा, दैट इज द इनकम, 10 लाख माइनस मेरे जो खर्चे होंगे वो, और मैं 10 लाख के ओवर एंड अबव कुछ एडिशनल कलेक्ट करूंगा. वो किससे कलेक्ट करूंगा? आपसे, और पे कर दूंगा. लाइबिलिटी मेरी है, एक मैं पर्सनली पे कर रहा हूं, दूसरा मैं कलेक्ट करके पे कर रहा हूं. समझ में आई बात? सो देयर इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स. क्लियर है मालिक? अच्छा जी, हाँ जी.
सर द एलिमेंट इज सेल, सेल ऑफ गुड्स. जैसे आप ट्रेडर हैं, ट्रेडर में आप क्या बेचते हैं? गुड्स बेचते हैं. एसेंशियल एलिमेंट इज सेल. एसेंशियल एलिमेंट क्या है? सेल. हेंस वी यूज द ब्रॉडर वर्ड टैक्स. इज दैट डन मालिक? सो सर टैक्स, ड्यूटीज, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स. सर टैक्स के साथ साथ एक और चीज कलेक्ट की जाती है, वो है सरचार्ज. क्या कलेक्ट किया जाता है? सरचार्ज. सर ताज नहीं, सर चार्ज. सीजन 2 देख के हो गया, पूछ रहा हूं मैं. और जिसे ये नहीं समझ में आया बेटा, पोगो पोगो, आस्था, डिस्कवरी, ये सब तुम्हारे लिए बना है. बराबर है ना? खैर कैसा है, अच्छा है बुरा? मैंने अभी तक नहीं देखा इसके लिए. अच्छा है बुरा है? बेकार है क्या? मतलब वो दूसरी सीरीज मिर्जापुर का वेट करना पड़ेगा. ठीक है चलो. देखिए आजकल के बच्चे पढ़ाई की बातों से कुछ भी हलाया. सरचार्ज मालिक, सरचार्ज क्या होता है? कोई आइडिया, रफ आइडिया? हाँ जी, टैक्स पे टैक्स. वेरी गुड, परफेक्ट. हाँ जी सुनिए, बिल्कुल सही कहा, टैक्स पे टैक्स, सर टैक्स इसे कहा जा सकता है. देखिए आपके मन में कभी भी ऐसा टैक्स पेयर एक चीज तो आएगी, हमसे क्यों टैक्स ले रहे हो? जो 2 लाख 3 लाख भी कमा रहा है उससे टैक्स लिया जा रहा है, 5 लाख कमा रहा है उससे टैक्स ले रहे थे, 10 लाख कमा रहे थे टैक्स ले रहे थे. वो आदमी के मन में क्या आता था पता है? वो आदमी के मन में आता था, यार अमीर इतना कमा रहे हैं इनसे लो, हमसे क्यों ले रहे हो? आपने इनसे लेना चाहिए. बात समझ में आई सरकार को भी, और सरकार ने बोला ठीक है, जो ज्यादा कमा रहे हैं, एक लिमिट से ऊपर कमा रहे हैं, इनसे ज्यादा लिया जा सकता है. और इसे कहा गया इन द नेम ऑफ सरचार्ज, अ टैक्स ऑन टैक्स, एडिशनल टैक्स कलेक्ट किए गए. यस ऑर नो? और इसे नाम दिया गया सरचार्ज के नाम से. यस ऑर नो? सर सरचार्ज लिया जा सकता है मैंडेटरीली? हाँ, इसका कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी है. टैक्स पे टैक्स कलेक्ट करने का कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी क्या है? आर्टिकल 271. आर्टिकल 271 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. सरकार टैक्स के साथ साथ एडिशनल टैक्स कलेक्ट कर सकती है सर्टन कंडीशन सेटिस्फाई होने पे. सो व्हाट इज सरचार्ज? सरचार्ज इज एडिशनल टैक्स या टैक्स ऑन टैक्स. सेकेंड, इट इज लेविड यूजिंग द पावर अंडर आर्टिकल 271 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. थर्ड, इट इज मैंडेटरी इफ conditions are satisfied. मतलब सरचार्ज लगाने की अगर कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो यह मैंडेटरी हो जाएगा, भले ही प्रॉब्लम में दिया हो या ना दिया हो. पर जब आप टैक्स निकालेंगे तो सरचार्ज के साथ ही निकालेंगे. सो इट इज वन ऑफ अ काइंड ऑफ मैंडेटरी एडिशनल लेवी, कुछ लोगों से ज्यादा वसूला जा रहा है. ये सुनो, सो टैक्स के अंदर क्या सिर्फ टैक्स होता है? नहीं, टैक्स के साथ साथ कई बार वी ऑल्सो कलेक्ट द वर्ड ड्यूटीज. एक और चीज होती है और इससे हम कहते हैं सेस. ध्यान से सुनिए, सेस. सर सेस क्या होता है? CESS. क्या होता है सर सेस? रफ आइडिया कुछ? सर थोड़ा बहुत पता है, वर्ड पढ़ो फिर बोलो पता है. हाँ जी, हाँ परफेक्ट है. सुनिए सेस मतलब क्या होता है? सेस का मतलब होता है एडिशनल लेवी. एडिशनल लेवी ध्यान से सुनिए मतलब क्या?
सरकार कुछ पर्पस के लिए, कुछ स्पेसिफिक पर्पस के लिए आपसे ये कलेक्ट करती है। इस पैसे को सिर्फ उसी यूज के लिए लिया जाता है जिस पर्पस के लिए बुलाया गया है। ध्यान से सुनिएगा, इस पैसे को सरकार कहीं और यूज नहीं कर सकती। फॉर एग्जाम्पल, जरा ध्यान से सुनिए, सरकार जो आपसे इनकम टैक्स कलेक्ट करती है, राइट, इसे वो आर्म्स के लिए यूज कर सकती है, पुलिस की सैलरी देने के लिए यूज कर सकती है, आर्मी वालों को पेमेंट्स करने के लिए यूज कर सकती है, बॉम्ब बनाने के लिए, मशीन्स लाने के लिए यूज कर सकती है, जैसे नो राफेल के लिए यूज किया जा सकता है। पर सेस जिस पर्पस से कलेक्ट होता है उसी पर्पस के लिए यूज होगा, एंड हेंस कुछ स्पेसिफिक पर्पस पूरे करने के लिए सरकार लाती है सेस। दूसरी इंपॉर्टेंट बात सर, ये सेस जो है ये किस पे लगता है? ये लगता है बेटा टैक्स पे। टैक्स का एक परसेंटेज सेस बोल के यूज किया जाता है। आइए इसकी हिस्ट्री में चलते हैं। सबसे पहले सेस हुआ करता था 3%। कितना परसेंट बेटा? 3%। टैक्स का 3% सेस लगाया जाता था। 2% यूज होता था एजुकेशन सेस, 1% यूज होता था सेकेंडरी हायर एजुकेशन सेस। टोटल सेस कितना परसेंट था बेटा? 3। 2% एजुकेशन सेस, 1% सेकेंडरी हायर एजुकेशन सेस नाम से यूज किया जाता था। फिर सवाल उठा कि इससे क्या हो रहा है, इस सेस से हो क्या रहा है? आपको पता है भारत सरकार की एक स्कीम है सर्व शिक्षा अभियान, उसके लिए ये पैसा यूज होता है। सर्व शिक्षा अभियान के लिए, बच्चों के एजुकेशन के लिए इस पर्पस को यूज किया जाता था, इसे कहा जाता था सेस। पिछले साल इस 3% को कर दिया गया 4%, और इसका नाम चेंज कर दिया गया। नाम चेंज करके हो गया HEC, अब इसका नाम परिवर्तन हो गया हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, जिसे प्यार से लिखा जाता है HEC। अब इसका नाम हो गया हेल्थ एंड एजुकेशन सेस, और 1% और बढ़ा दिया गया, अब हेल्थ एंड एजुकेशन सेस हो गया कितना परसेंट बेटा? 4%। तो क्या टैक्स में सिर्फ टैक्स होता है? नहीं, टैक्स में सरचार्ज भी होता है, टैक्स में सेस भी होता है, तब जाके आप पूरा टैक्स पेएबल निकालते हो। टैक्स प्लस सरचार्ज इफ एनी, क्योंकि कंडीशन सेटिस्फाई हुई तो, प्लस सेस। सेस अगेन मैंडेटरी है, आप चाहे न चाहे आपको देना ही है। क्या सरकार इस पैसे को कहीं में यूज कर सकेगी? नहीं, ये सिर्फ उसी पैसे से। मान लीजिए सरकार ने ये पैसा कलेक्ट किया और ये पैसा हेल्थ और एजुकेशन की जगह उन्होंने आर्म्स यूज करने में लगा दिया, क्या ये सही होगा? नहीं, पूरा गलत, राइट। उनके पास पावर ही नहीं है इसको इस तरीके से यूज करने का। इन पैसे को जिस पर्पस के लिए लाया गया है उस पर्पस के लिए यूज किया जाएगा। ये मैंडेटरी है, आप चाहें ना चाहें, राइट। नहीं तो आप बोलोगे सर मेरा एजुकेशन तो हो गया, किसके एजुकेशन की बात चल रही है? बच्चों के एजुकेशन। आप लोगों ने वो एक हिचकी मूवी भी देखी होगी, राइट टू एजुकेशन। ये सुनो, राइट टू एजुकेशन के पर्पसेस को पूरा करने के लिए इन सेस के पैसों का यूज किया जाता है, एजुकेशनल अवेयरनेस लाने के लिए यूज किया जाता है। हेल्थ क्यों जोड़ा गया? साहब आपको पता होगा जब मोदी सरकार आई तो उन्होंने कुछ 12 रुपए के अंदर इंश्योरेंस निकाला, ये सुनो, जो बच्चियां हैं उनके लिए सुकन्या समृद्धि स्कीम निकाला, और हेल्थ वाले कई मिशन लिए, ऐसी कई स्कीम्स लेके आई जिनमें हेल्थ को रखा प्रायोरिटी। इसीलिए देखिए योगा को एक पर्टिकुलर डे दिया गया, इंटरनेशनल योगा डे बनाया गया। इन सारी चीजों में हेल्थ अवेयरनेस लाने के लिए जो पैसा लग रहा था वो आ रहा था यहां से, सेस से। सो प्लीज राइट डाउन, सेस के जगह वर्ड लिखिए हेल्थ एंड एजुकेशन सेस। इट इज एन एडिशनल लेवी, इट इज मैंडेटरी, इट इज अप्लाइड ऑन टैक्स दैट इज, ब्रैकेट में लिख के रखिए, आफ्टर सरचार्ज और रिबेट। बस लिख के रखिए वर्ड का, रिबेट वर्ड का मीनिंग आपको माइट भी कल पता चले रिबेट क्या होता है, पर सरचार्ज आई होप आप सभी को समझ गया। सो टेक्निकली टैक्स प्लस सरचार्ज
प्लस सेस, इस तरीके से आपका टोटल टैक्स बनता है। सर हम कितने वर्ड पे है? दूसरे, मैंने आपको दो ही वर्ड पढ़ा है अब तक, एक्ट टैक्स, यस और नो? मालिक वापस से दूसरे वर्ड पे जाते हैं, दूसरा वर्ड क्या था? टैक्स। हमने सबसे पहले समझा टैक्स क्या होता है, ड्यूटीज क्या होती है, फिर हमने दूसरा वर्ड पकड़ा डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स, टैक्स के प्रकार कितने होते हैं। फिर हम आगे बढ़े, हमने पता चला क्या हम सिर्फ टैक्स कलेक्ट करते हैं? नहीं, हम सरचार्ज भी कलेक्ट करते हैं। हम डीप गए समझने के लिए, अरे भाई सरचार्ज क्या होता है? एडिशनल लेवी। आपको तो पता ही है इनकम टैक्स प्रोग्रेसिव बेसिस पे काम करता है, हायर द इनकम हायर द टैक्स, तो जो ज्यादा कमा रहे होंगे उनसे एक और टैक्स वसूला जाएगा सरचार्ज, प्लस सभी लोग ज्यादा कमा रहे हो या नहीं कमा रहे हो उनसे एक और चीज वसूली जाती है सेस, कुछ स्पेसिफिक पर्पजेस को पूरा करने के लिए। अब ध्यान से सुनिए, मैं एक बहुत अच्छी बात कर रहा हूं, लिखेगा कोई नहीं जब तक मैं समझाना दूं। भाई साहब तीन चीजें, टैक्स, सरचार्ज, सेस, जिसको अब हम प्यार से क्या कहते हैं, एचईसी। कलेक्ट करने का पावर कौन रखता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, याद होगा तो एंट्री नंबर 82, बराबर है। टैक्स जो आप कलेक्ट करते हैं मेरे बच्चे, टैक्स जो आप कलेक्ट करते हैं, यह टैक्स क्या सिर्फ सेंटर रखता है? कलेक्ट सेंटर करता है, क्या यह पैसा सिर्फ सेंटर में होता है? नहीं, अंडरस्टैंड, इट इज अ पार्ट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। जरा समझना, व्हाट डू यू मीन बाय कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया? कंसोलिडेटेड, देखिए भारत सरकार जितना भी पैसा कलेक्ट करती है इसे एक फंड में रखती है, इस फंड को कहा जाता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कि भारत सरकार की अलग अलग चीजों से जितना पैसा कलेक्ट किया गया इसे एक जगह रखा जाता है, सॉर्ट ऑफ अकाउंट, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। सरचार्ज जो कलेक्ट हो रहा है इसे भी रखा जाता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के अंदर में, बराबर है, और सेस जो कलेक्ट किया जा रहा है इसे भी रखा जाता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया के लिए, बट यूज्ड फॉर, बोलो भाई, स्पेसिफिक पर्पस। ध्यान से सुनिए, टैक्स जो कलेक्ट हो रहा है इसे डिवाइड किया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट में। ऐसा नहीं है कि टैक्स के पैसे से सिर्फ सेंटर मजे करेगा, गलत, स्टेट के भी अपने पर्पस होते हैं, स्टेट के भी अपने पर्पस होते हैं, और इन पर्पस को पूरा करने के लिए इस टैक्स को डिवाइड कर दिया जाता है। डिवीजन कौन से रेशो में होगा? डिवीजन कौन से रेशो में होगा यह फाइनेंस कमीशन डिसाइड करता है। कौन डिसाइड करता है बेटा? फाइनेंस कमीशन, प्रेसिडेंट डिसाइड करता है कि बॉस इसको किस तरह से, जैसे कुछ स्टेट बड़े होंगे तो उसे ज्यादा पैसा मिलता है, कुछ स्टेट छोटे होंगे तो उसे कम पैसा मिलता है, पर ये डिवाइड होता है। सर कौन कहता है ये डिवाइड होता है? नहीं करना, नरेंद्र मोदी साहब ने बोला नहीं करना हमें डिवाइड, ऐसा ना चलेगा। आर्टिकल 270 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, कोई भी चीज है तो उसके पीछे लॉजिक है, ऐसे हवा में नहीं आया कुछ भी। कौन कहता है ये डिवाइड होगा? नहीं तो ऐसा हो सकता है ना, मान लो कोई एक स्टेट जहां पे बीजेपी नहीं जीती, लेट्स से केरला, बीजेपी नहीं जीती, अब बीजेपी क्या निकालेगी? बदला। वो क्या बोलेगी? बलिदान देना होगा। क्या देना होगा? बलिदान। अच्छा तुमने हमको वोट नहीं किया, क्या पैसा इतनी देता जा। ऐसा हो सकता है खुन्नस निकाली जाए। इस चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए बाबा साहेब अंबेडकर ने सबसे पहले ये काम किया कि कोई भी अपनी हुकूमत नहीं चला सकेगा, तुम्हें गद्दी मिल गई, पावर डिवाइड ही रहेंगे, तुम्हें गद्दी मिल गई पावर डिवाइड ही रहेंगे। तो कल चल के नरेंद्र मोदी साहब ने बोला केरला है मेरे को वोट नहीं दिया, आमी देना नहीं चालना नहीं, देना पड़ेगा। कौन कहता है? आर्टिकल 270 टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, टैक्स कलेक्ट हुआ बांटना पड़ेगा, कद्दू कटेगा सब में बटेगा, बात समझी? कद्दू कटेगा सब में बटेगा। फिर बात आती है सरचार्ज की, सरचार्ज इज ऑलवेज केप्ट बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, ये डिवाइड नहीं होता, सरचार्ज हमेशा यूनियन का ही रहता है,
मतलब अगर तुम्हें एडिशनल पर्पस पूरे करने हैं, एक्स्ट्रा पैसे कलेक्ट करो, भरो, सरचार्ज डिवाइड नहीं होता. सरचार्ज इज ऑलवेज फॉर द पर्पस ऑफ यूनियन. सरचार्ज इज ऑलवेज फॉर द पर्पस ऑफ यूनियन. तो भाई साहब, टैक्स जो कलेक्ट हो रहा है, नो डाउट टैक्स जो कलेक्ट हो रहा है ये डिवाइड होगा, सेंटर में भी स्टेट में भी. डिवाइड कैसे होगा, प्रेसिडेंट डिसाइड करेंगे, फाइनेंस कमीशन डिसाइड करेगा. सरचार्ज डिवाइड नहीं होगा, सेस डिवाइड होने का सवाल ही नहीं आता, क्योंकि वो वैसे ही आ रहा और स्पेसिफिक पर्पस के लिए यूज होगा, तो इसके डिविजन का सवाल ही नहीं उठता. समझ में आया क्या? आज जाना अपने बापू को बोला, बापू टैक्स पढ़ के आया हूं. पापा बोलेंगे अच्छा बता क्या है. पापा बोलना आपने इतने बार टैक्स पे किया, सुनो इधर आना मेरे, तुमको टैक्स कौन देता, सरचार्ज कौन देता. आए बड़े पापा सुनो, बापू लेगा झाड़ू और जो सूतेगा उसको बोलना ठीक है पहले बात सुनो, टैक्स क्या होगा बोलना, डिवाइड किसके बीच में, सेंटर स्टेट. सरचार्ज डिवाइड होता और सेस बिल्कुल ही डिवाइड होने का सवाल उठता. समझ में आया क्या? पप्पा भी बोलेंगे भाई कैसा है. ऐसी एक दो चीजें तुम अपने घर पे बताते रहोगे ना तो उनको भी लगेगा कुछ तो पढ़ रहा, नहीं तो जितना विश्वास तुम पे है वो तुमको भी मालूम है. उनको ऐसा लगते रहना चाहिए हाँ कुछ तो बारिका कर रहे हैं, ये सुनो राइट. उसके बाद मैं जान मुझ के बोलना पापा वो पॉकेट मनी अभी एक्स्ट्रा नॉलेज लेने के लिए लगता है ना पापा, थोड़ा लाइब्रेरी वाइब्रेरी ज्वाइन कर रहे हैं, ऐसा उनको बोलने का. समझ में आई बात? तो चलो, और मैं कहता हूं आपसे, सर देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, आपको ये क्लास आपके ऑलमोस्ट हर दोस्त ने रेफर किया होगा. आई होप पिछले 2 घंटे में आपको समझ गया क्यों रेफर किया होगा. उसने सिर्फ और सिर्फ 2 रीजन की वजह से. पहली बात, यहाँ पे बैठो कितने भी देर तक के आपको बोर नहीं होने वाला, एटलीस्ट मेरा लेक्चर तो भी. ऐसा भी हो सकता है कोई एक हर लेक्चर में रात में 8 बजे तक ले लू, ऐसा रोज नहीं हो सकता एक हाथ कभी ऐसा पॉसिबिलिटी है ठीक है. दूसरी बात, लेकिन मेरी गारंटी है जितना टेम्परा तुम्हारा 2 बजे होगा उतना ही 8 बजे भी होगा. दूसरी बात, उसने आपको दिया है ये रेफरेंस बिकॉज ऑफ द नॉलेज. आज आपने पहला दिन था, पहले दिन में आप सोचिए इनकम टैक्स से ज्यादा मैंने तुम्हें कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ा दिया. इनकम टैक्स से ज्यादा तुमने आर्टिकल 265 पढ़ा, आर्टिकल 245 पढ़ा, आर्टिकल 270 पढ़ा, आर्टिकल 271 पढ़ा. मतलब अगर कोई वर्ड है तो उस वर्ड के पीछे का हिस्ट्री क्या है, वो वर्ड आने का लॉजिक क्या है ये बताया. मैं सिंपल सी बात कहता हूं, तुम तुम्हारे दोस्त की बुक जाके भी चेक करना उसने क्या पढ़ा है, और उसको भी समझा देना बेचारे को क्योंकि उसने ये पढ़ा नहीं होगा. समझ में आई बात? ये समझा? मुझे नहीं समझा, वापस बताओ. टैक्स 2 लोगों में डिवाइड होगा, कौन कौन, क्यों डिवाइड हो रहा है, इसके पीछे का लॉजिक समझा? नहीं तो फिर सेंटर में जो आता और जिस स्टेट ने वोट नहीं किया वो उसको पैसा ही नहीं देता. इसके लिए पहले ही सुविधा करके रखी कि कोई अपनी हुकूमत चला सकेगा नहीं. दूसरा, सरचार्ज जो आया ये किसके हाथ में रहेगा, यूनियन. ये इस बिल्कुल यूनियन के हाथ में रहेगा, सेंटर के हाथ में रहेगा कि इसको पैसे को कहाँ यूज करना है. तीसरा, सेस डिवाइड होने का सवाल ही नहीं उठता. डन, लिखो ना. सो टैक्स इज अ पार्ट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया डिवाइडेड अमॉन्ग सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट एज पर आर्टिकल 272 द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन. सरचार्ज इज अ पार्ट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया एंड केप्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट ओनली. सेस इज अ पार्ट ऑफ कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया बट यूज ओनली फॉर स्पेसिफिक पर्पज, हेंस द क्वेश्चन ऑफ डिविजन डज नॉट अराइज.
क्योंकि ये उसी पर्पस के लिए यूज होगा। हाँ, तो हम क्या वर्ड पढ़ रहे थे? टैक्स। हम कौन सा वर्ड पढ़ रहे थे बेटा? टैक्स। वैसे एक बात बोलूं, जरा अपने पेज गिनना वाला कितने पढ़ लिए? एटलीस्ट दो तीन हो गए होंगे, तो पांच छह मत बोलो, एक दो हुए होंगे। तुम्हारी हैंडराइटिंग बड़ी है, पर पढ़े तो तुमने कितने वर्ड है? दो। अब तक कितने वर्ड पढ़े मालिक? दो। टैक्स, एक्ट। मजा आ रहा है? अब मैं आता हूं तीसरे वर्ड पे। सर, सर मेरे को पांच बजती दिख रही है। ऐसा होगा बेटा, पांच रोज बजते, टेंशन नहीं लेने का, चलाओ। अब आता हूं मैं तीसरे वर्ड पे। तीसरा वर्ड है 1961। तीसरा वर्ड क्या था? 1961। नहीं, मुझे एक बात बताओ। नहीं, हाँ एक बात बताओ। चलो, दो साल पुराना मैं शर्ट नहीं पहनता, दो साल पुरानी मैं गाड़ी नहीं चलाता, दो साल पुरानी अरे तो 1961 का लॉ मैं 2019 में पढ़ रहा हूं, क्या लॉजिक है? मतलब आप सोच के देखो ना, तब का लॉ जब अपने पप्पा भी पैदा नहीं हुए, ऐसा क्या अर्थ है? 1961 का लॉ 2019 में पढ़ रहा हूं, कम ऑन मैन, गलत है मैन। क्यों, आखिर क्यों? मतलब एक क्वेश्चन आम आदमी के मन में जरूर आता है, एक क्वेश्चन आम आदमी के मन में जरूर आता है कि अपने मम्मी से पूछना कभी, कई बच्चे पूछ लेंगे, मम्मी 1961 का लॉ मैं 2019 में पढ़ रहा हूं, क्या लॉजिक है? बेटा, उसके पीछे का लॉजिक है अमेंडमेंट। उसके पीछे का लॉजिक क्या है बेटा? अमेंडमेंट। बजट, अमेंडमेंट क्या होता है? ये वर्ड कहीं सुना सुना सा लग रहा है, क्या होता है ये अमेंडमेंट? कहां से आते हैं अमेंडमेंट? चेंजेस। अमेंडमेंट मतलब क्या? बदलाव, ठीक है। ये अमेंडमेंट आते कहां से? बजट। ये अमेंडमेंट आते कहां से मालिक? बजट। बजट से आते हैं, और हर बार इसे प्रेजेंट किया जाता है फाइनेंस मिनिस्टर द्वारा। मैं आपको बता दूं, फाइनेंस मिनिस्टर अब तक थे अरुण जेटली साहब, ये सुनो, एज ऑफ नाउ वो एम्स में भर्ती हैं, उनकी तबीयत खराब है, और जब वापस सेकेंड टर्म आया मोदी गवर्नमेंट का तो उन्होंने खुद लेटर लिख के बोला कि मेरी तबीयत खराब है और मैं ये पोजिशन नहीं लेना चाहता, इसीलिए इंटरिम बजट आया, और इंटरिम बजट प्रेजेंट किया सीए पीयूष गोयल सर ने, सीए पीयूष गोयल सर ने। जब नई सरकार बनी तो इसमें न्यू फाइनेंस मिनिस्टर बने मिस निर्मला सीतारमण, शी वॉज द फर्स्ट वुमेन फाइनेंस मिनिस्टर, फुल फ्लेज्ड, फर्स्ट वुमेन फुल फ्लेज्ड फाइनेंस मिनिस्टर, यस ऑर नो? सो एज ऑफ नाउ फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? निर्मला सीतारमण जी, ठीक है साहब। ये हर साल बजट लेके आते हैं, लेकिन उसके पहले आपको बजट की कुछ चीजें समझनी होगी। समझने में इंटरेस्टेड हो? बड़ा मजा आएगा, सुनना बेटा। बजट कितने प्रकार के होते हैं? आओ पढ़ के हद ही कर दें, नहीं तो प्रोग्राम रद्द ही कर दें। बजट बेटा दो प्रकार के होते हैं, इंटरिम और फाइनल। बड़े ध्यान से सुनना, तुम्हारे दोस्त भाई यार रिश्तेदार कोई सीए फाइनल में होंगे तो उसको भी समझा देना। बजट दो प्रकार के होते हैं। बजट कितने प्रकार के होते बेटा? दो। पहला बजट होता है इंटरिम बजट, और दूसरा बजट होता है फाइनल बजट। ध्यान से सुनिएगा, हर पांच साल में देश में इलेक्शन होता है। जिस साल इलेक्शन ईयर होता है इस साल दो बजट आते हैं, जो ईयर इलेक्शन ईयर होता है इस साल दो बजट आते हैं। पहला जो बजट होता है वो होता है इंटरिम बजट। तो इंटरिम बजट कब आता है? इन द ईयर ऑफ इलेक्शन। इंटरिम बजट जो आता है इसकी वैलिडिटी जो होती है ये होती है 6 मंथ्स। इस बजट की वैलिडिटी सिर्फ 6 मंथ्स रखी जाती है। कितने मंथ्स बेटा? 6 मंथ्स।
इसीलिए 2019 को अगर आप देखें, और क्योंकि ये मई 20 नवंबर 20 वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपको इंटरिम भी समझना है और फाइनल भी समझना है, बिकॉज सम ऑफ द अमेंडमेंट्स आर ब्रॉट थ्रू इंटरिम बजट एंड सम रेस्ट ऑफ द अमेंडमेंट्स हैज ब्रॉट थ्रू फाइनल बजट। ठीक है, ध्यान से सुनना। इंटरिम बजट, ईयर का इलेक्शन था इसीलिए इंटरिम बजट आया। इंटरिम बजट जो होता है ये 6 महीने के लिए वैलिड होता है। लेट्स से इंटरिम बजट को प्रेजेंट किया गया फरवरी के अंदर में, तो जुलाई के अंदर में ये बजट खत्म हो गया, और अगस्त में जैसे ही नई सरकार आती है, नई सरकार अपना बजट पेश करती है, और फाइनल बजट आता है एवरी ईयर। बराबर है, इसे प्रेजेंट किया जाता है, प्रेजेंटेड बाय फाइनेंस मिनिस्टर। जिसको भी ये पोर्टफोलियो मिलता है, फाइनेंस मिनिस्टर उसे होल्ड करता है हर साल। जनरली जो बजट होता है, जनरली जो बजट होता है ये आता है 1 फरवरी। कौन से दिन को आता है मालिक? 1 फरवरी, डेट फिक्स्ड है। पहले ये बजट जो हुआ करता था ये लास्ट डे ऑफ फरवरी पे आता था, 28 फरवरी मेरे बर्थडे के दिन आता था, लेकिन इसे चेंज कर दिया गया, इस कॉलोनियल रूल को चेंज कर दिया गया, और अब जो बजट आता है वो 1 फरवरी के दिन आता है। रेलवे बजट और फाइनेंस बजट दोनों एक ही दिन आते हैं। ध्यान से सुनिए क्या बोल रहा हूं मैं, रेलवे बजट फाइनेंस बजट दोनों एक ही दिन आते हैं, और ये रहता है 1 फरवरी। सर बजट कौन से एक्ट से प्रिपेयर किया जाता है? हाँ, किसी ने बोला हाँ, फाइनेंस एक्ट। एवरीबॉडी, गलत जवाब। सर बजट फाइनेंस एक्ट से आता है? गलत, बजट आता है फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट, सीपीटी इकोनॉमिक्स। है ना, सीपीटी इकोनॉमिक्स। बजट इज प्रिपेयर्ड एज पर FRBM एक्ट। क्या आपको पता है, एक साल पहले ये टाटा मोटर्स इंफोसिस का इंटरव्यू क्वेश्चन भी था, एंड मैक्सिमम स्टूडेंट फेल्ड टू आंसर दिस। उनको लग रहा था कि फाइनेंस एक्ट से ही आता है। गलत, बजट आता है, बोलो बेटा, फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट 2003, यहां से आता है बजट। सो आइए वापस से जीरो से चलते हैं। 1961 का लॉ मैं 2019 में क्यों ले रहा हूं, क्योंकि एक्ट नहीं बदल रहा है, एक्ट में सिर्फ क्या आ रहे हैं, अमेंडमेंट्स। अमेंडमेंट्स आते कहां से है? बजट से। कहां से आते हैं? बजट। बजट कितने प्रकार के होते हैं? दो, इंटरिम बजट, फाइनल बजट। इंटरिम बजट सिर्फ इन द ईयर ऑफ इलेक्शंस आता है, राइट। फाइनल बजट हर साल आता है। कब आता है? 1 फरवरी को। कौन लेके आता है? फाइनेंस मिनिस्टर इसे प्रेजेंट करता है। क्लियर है मालिक? अच्छा जी, बजट कौन से एक्ट से प्रिपेयर होता है? फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। अब कुछ और बातें, बजट में आते हैं अमेंडमेंट्स। बजट में क्या आते हैं बेटा? अमेंडमेंट। हालांकि जब आप बजट स्पीच सुनेंगे, राइट, बजट स्पीच जब आप सुनेंगे तो उसके अंदर में ऐसा होता है, ध्यान से सुनिए, बजट स्पीच के अंदर में डायरेक्ट टैक्स के भी अमेंडमेंट होते हैं और इनडायरेक्ट टैक्स के भी अमेंडमेंट होते हैं। आई रिपीट, बजट के अंदर में डायरेक्ट टैक्स के भी अमेंडमेंट होते हैं और इनडायरेक्ट टैक्स के भी अमेंडमेंट होते हैं। कौन से अमेंडमेंट कब से एप्लीकेबल है, ध्यान से सुनिए, बजट कंटेन्स, रुकना लिखना मत, बजट कंटेन अमेंडमेंट विथ रिस्पेक्ट टू, लिखना मत, टाइम देता हूं, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। जरा ध्यान से सुनना, और अगर बात पसंद आई तो मेरे को ताली चाहिए, मंजूर? सुनो, बजट के अंदर में दो तरीके के अमेंडमेंट्स होते हैं, डायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड अमेंडमेंट, इनडायरेक्ट टैक्स से रिलेटेड अमेंडमेंट। क्लियर है? ये अमेंडमेंट वर्क कब से करते हैं? इनडायरेक्ट टैक्सेस से जो रिलेटेड अमेंडमेंट होते हैं ये एप्लीकेबल है फ्रॉम मिडनाइट, अनलेस अदरवाइज
स्पेसिफाइड। जब तक कुछ और ना बोला गया, इनडायरेक्ट टैक्सेस से रिलेटेड जितने अमेंडमेंट है वो उसी रात से अप्लाई करते हैं। किसी रात से? उसी रात से। जस्ट लाइक पेट्रोल प्राइजेस, अगर बदलाव होने वाला है तो रात 12 बजे से बदल जाएगा, फिर पूरी लाइन लगती। बराबर है कि नहीं है? इनडायरेक्ट टैक्सेस के अमेंडमेंट रात 12 बजे से लागू हो जाते हैं, अनलेस अदरवाइज कुछ और स्पेसिफाई किया हो। डायरेक्ट टैक्स के अमेंडमेंट, ध्यान से सुनना, डायरेक्ट टैक्स के अमेंडमेंट एप्लीकेबल होते हैं फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट ईयर। इनडायरेक्ट टैक्स के अमेंडमेंट होते हैं फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट ईयर, फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट ईयर। हेंस एक्ट 1961 रूल्स 1962। आपको लेक्चर चालू होने से पहले कहा था एक्ट 61 क्यों और रूल 62 क्यों, ये सवाल पूछो, ये है उसका जवाब। एक्ट तो 1961 में ही आ गया, अप्लाई कब से करेगा? 1962। और बेसिक में जा, एक्ट मतलब क्या? प्रोविजन ऑफ लॉ। रूल्स मतलब क्या? इंप्लीमेंटेशन ऑफ लॉ। लॉ लेके आ गए 1961 में, अप्लाई करेंगे 1962 में। हेंस एक्ट 1961, रूल्स भाई। समझ में आया? ऐसे ही नहीं उठा के ला दिया किसी ने भी एक्ट, चलो 1961 से लगाते। नहीं नहीं, रूल्स 1962। लॉजिक है। मेरे से रोज पूछने का ऐसा मीनिंग क्यों? एज अ टीचर मेरे को क्लास में आने से पहले डर लगना चाहिए, किसी बच्चे ने कुछ पूछ लिया तो क्या? ऐसा नहीं होना चाहिए, मैं पूछो और तुम बैठे हो और मैं बॉटलों से बात करूं। समझ में आया क्या? सो डायरेक्ट टैक्स के अमेंडमेंट कब से अप्लाई करते हैं बेटा? फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट ईयर। इसीलिए सुन, बाकी अरे चिल मार। इसीलिए जो बजट आया, सुनिए, बजट आया जो 2019 में, ये कब से अप्लाई करेगा? 2020। तो जितने बच्चे May 20 दे रहे हैं या November 20 दे रहे हैं, या जो CS एग्जीक्यूटिव या CMA में जो होते हैं वो लोग या तो फिर June 20 देते हैं या तो December 20 देते हैं, इनके लिए बजट 2019 एप्लीकेबल है। 1 फरवरी 2020 को भी बजट आएगा, पर आप सभी के लिए वो बजट काम का फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट ईयर। हेंस आप लोगों के अटेम्प्ट के लिए जो काम का बजट है वो है 2019। अब दूसरी बात, 2019 में तो दो बजट आए हैं। समझा क्यों पढ़ाया बेसिक? 2019 में कितने बजट आए हैं? इंटरिम बजट, फाइनल बजट। सर मतलब हमारी ज्यादा लगी है। सर क्या हमें दोनों पढ़ना पड़ेगा? हाँ। क्या हम पे दोनों एप्लीकेबल है? हाँ। सर मतलब? हाँ। डोंट वरी, बहुत इजी है। अब तक कुछ हार्ड लगा? चिल मारो, सारी चीजें इजीली एंटर हो जाएगी, तुमको समझ में भी नहीं आएगा। सो 1 2 3 स्टार्ट। हमने चालू कहां से किया? ए रुक रे, चालू कहां से किया था? आहा, 1961 का लो 2019 में पढ़ रहे। लॉजिक क्या है मालिक? अमेंडमेंट्स। अमेंडमेंट्स कहां से आती है? बजट। बजट कितने प्रकार के होते हैं? दो, इंटरिम, फाइनल। इंटरिम बजट ओनली इन द ईयर ऑफ इलेक्शन, वैलिडिटी ओनली 6 मंथ। फाइनल बजट हर साल 1 फरवरी फाइनेंस मिनिस्टर प्रेजेंट करेगा। कौन से एक्ट के हिसाब से? फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड बजट मैनेजमेंट एक्ट। बजट में बहुत सारी बातें होती है, इसमें का टैक्स का पोर्शन निकल के चले जाता है फाइनेंस एक्ट के अंदर में। जब भी बजट आता है इसमें डीटी के भी अमेंडमेंट होते हैं, आईडीटी के भी अमेंडमेंट होते हैं। आईडीटी के अमेंडमेंट उसी रात से अप्लाई करते हैं अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड। डीटी के अमेंडमेंट फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट ईयर से अप्लाई करते हैं। हेंस एक्ट 1961, रूल्स 1962। आपके अटेम्प्ट के लिए कौन सा बजट एप्लीकेबल है? बजट 2019। क्लियर है मालिक? अब आप लिख लो। ये लिख लिया सबने? लिख लो।
एक सवाल मुझसे पूछा गया, जिनका इनकम 2 करोड़ रुपए से ऊपर उन्हें 47% का टैक्स भरना है। बेटा मैं आपको इसका जवाब प्लीज कल दूंगा। क्या उन्हें 47 भरना है क्या? कल बताऊंगा। फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट ईयर मींस फाइनेंशियल ईयर। इज दैट डन? अच्छा बेटा लिख लियो। हाँ जी बेटा। तो जितना उन्होंने स्पेसिफाई किया उसमें से जितना प्रेसिडेंट ने नोटिफाई कर दिया इट विल बिकेम द पार्ट ऑफ द एक्ट इंटरिम बजट का, प्लस जो कुछ और बजट होंगे वो फाइनल बजट में आ जाते हैं। फाइनेंशियल ईयर, हाँ फर्स्ट ईयर। और इनकम टैक्स का जो पूरा असेसमेंट है पूरे असेसमेंट ईयर की लैंग्वेज में लिखा है, यू अर्न द इनकम इन प्रीवियस ईयर एंड पेड द टैक्स इन असेसमेंट ईयर। सो इसी के लिए उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी नेक्स्ट ईयर अराइज होता है। एवरीबॉडी डन? लिख के रखें आपके अटेम्प्ट के लिए कौन सा एप्लीकेबल है। बजट 2019 इसमें दो आए थे, इंटरिम भी तुमको एप्लीकेबल है फाइनल भी एप्लीकेबल है। और प्लीज अब कोई नहीं बोलेगा सर और पढ़ाओ, मैं पहली बता रहा हूं, नहीं तो तुम बोलोगे सर और पढ़ाओ, प्लीज अब कोई नहीं बोलेगा। ठीक है हाँ जी, तो चलिए आज का आपका दिन खत्म करते हैं। आपने कितने वर्ड पढ़े? 3। कौन कौन से? एक्ट, टैक्स, 1961। सॉरी इनकम वर्ड नहीं पढ़ा पाया, तो इनकम वर्ड हम कल पढ़ेंगे, ऐसो नो। और हो सकता है आपके कई दोस्त कल जुड़े तो उनके लिए भी, ठीक है। अब मैं आपको प्लीज बुक बुक सब बंद कर दें, पहली बता रहा हूँ प्लीज। मैं आपको कुछ अब लेक्चर के कुछ बेसिक पॉइंट्स बता देता हूँ, ध्यान से सुनना। सबसे पहले तो मैं आपको आपके नोट्स दिखा दूं कैसे हैं, ठीक है। नोट्स नए बजट के हिसाब से प्रिपेयर हो चुके हैं और आने को माइट भी 3-4 दिन लगेंगे, जब तक आपको नोट्स की कोई जरूरत नहीं है, मेरे साथ सिर्फ बेसिक से लिखने हैं। अगर आप देखेंगे आपके नोट्स कुछ इस फॉर्मेट में हैं, इट इज ऑलरेडी अ हैंड रिटन फॉर्मेट, क्योंकि मेरे को आदत होती है लिखने की, राइट। इट इज कंप्लीटली कलर्ड, कलर्ड इसलिए क्योंकि एग्जाम के टाइम पे आपको सिर्फ जितना इंपॉर्टेंट पढ़ना चाहिए उतना पढ़ो, नो इफ नो बट, ओनली कट टू कट। यहां पे फाइनेंस मिनिस्टर एंड ऑल भी ला करके रखे गए हैं आप लोगों के लिए, प्लस ये आर्टिकल पढ़े पढ़े से लग रहे हैं क्या मेरे को? कौन सा आर्टिकल है बेटा? 265, 270, 245, 271। यहां पे इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी दी गई है, एक्ट,
रूल्स सर्कुलर केस लॉ, यही आज ही पढ़ा बेटा हम लोगों ने। साथ ही साथ में एनुअल अमेंडमेंट्स कब होते हैं जरा देखिए, समझ आ रहा है क्या? इफेक्टिव फ्रॉम फर्स्ट डे ऑफ नेक्स्ट ईयर अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड, इफेक्टिव फ्रॉम मिडनाइट अनलेस स्पेसिफाइड अदरवाइज। गेटिंग और नॉट? तो इस तरीके के आपके पूरे नोट्स हैं। सबसे अच्छी बात मैं आपको बता दूं, कुछ सवाल आपके मन में आएंगे, ऑब्वियसली बात है सर, पहली बात क्लास में हम ये लेंगे या नहीं, एमसीक्यू लेंगे या नहीं, मैं आपको बता दूं इस बार मैंने नोट्स में ही एमसीक्यू डाल दिए। मतलब जब हम लोग क्लास में प्रॉब्लम सॉल्व करते रहेंगे, वन ऑफ द पॉइंट इज एमसीक्यू इटसेल्फ, यहीं पे मैंने एमसीक्यू रखे हैं और एमसीक्यू के साथ साथ उसके आंसर भी रखे हैं, प्लस नो योर एग्जाम, मतलब जो पास्ट एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आए हैं इस चैप्टर पे, मॉड्यूल्स के क्वेश्चन हो गए राइट, वो सारे के सारे यहाँ इंक्लूड करके रखे हैं। मैं आपको बता दूं डीटी में आपको क्या क्या मिलेगा। सबसे पहले आपको एक मॉड्यूल मिलेगा जो क्लास मटेरियल होगा, इसके साथ साथ आपको एमसीक्यू बुक भी मिलेगी। ध्यान से सुनना, आपको अपार्ट फ्रॉम जितने क्लास में एमसीक्यू हम लोग करवा रहे हैं उसके अलावा मैंने मात्र 1650 एमसीक्यू और निकाले हैं। कितने? 1650। बिंदास, जितना मूड है सॉल्व करो। कुछ लोग होते हैं जो बुझाएंगे बोर कि यार बुक से कौन सॉल्व करता है, डोंट वरी, वी हैव अ ऐप ऑल्सो, वी स्मार्ट ऐप डाउनलोड कर लेना, जितने एमसीक्यू उधर है उतने उस पर भी अवेलेबल है, रात में बैठे बैठे कुछ वेबसाइट्स के अलावा ये भी देख लेना। अरे मतलब फेसबुक तो आप देखते ही हो ना, तो ये भी देख लेना। तीसरी चीज आपको मिलेगी क्वेश्चनेयर। क्या मिलेगी बेटा? क्वेश्चनेयर। क्वेश्चनेयर क्या होता है? कुछ बच्चे हैं जो रैंक के लिए प्रिपेयर करते हैं और हम उन्हें मोटिवेट करते हैं इन चीजों से, क्योंकि कुछ बच्चों को ऐसा लगता है 70 प्रॉब्लम के अलावा नहीं यार मैंने और प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहिए, कहीं से कोई और रेफरेंस बुक मिल जाए मैं और प्रॉब्लम सॉल्व करूं। टेंशन मत ले, हमारे खुद का क्वेश्चन बैंक है पूरा का पूरा, करीब 200 क्वेश्चन सॉल्व दिए हैं, मतलब अपार्ट फ्रॉम जो मैं क्लास में सॉल्व करवाऊंगा 300-400 क्वेश्चन 60 मार्क के लिए, उसके अलावा 200 क्वेश्चन और दिए हैं पूरे सॉल्व, हर टॉपिक पे 30-30, 40-40 क्वेश्चन। बैठना, सॉल्व करना, मतलब अकेले मेरा ही सब्जेक्ट देख लो 60 मार्क का ही, तो उसमें आपको बहुत कुछ मिलेगा। और इसके अलावा आपको मिलता है बेटा चार्ट्स। एग्जाम से एक दिन पहले आप ये तीन चीजें नहीं पढ़ सकते, एक ऐसा मटेरियल चाहिए जो आपको क्विक रिवाइज करवाए पूरा का पूरा, तो हमने बना के रखे हैं बड़े बड़े चार्ट्स। इस चार्ट्स को दीवारों पे लगा दें, खड़े हो जाएं और उसके सामने खड़े रह करके पूरा पार्ट पढ़ लें, आपका काम खत्म हो जाएगा। तो जब आप डीटी लगाएंगे, जीएसटी लगाएंगे, लॉ लगाएंगे, कॉस्टिंग लगाएंगे या अकाउंट्स लगाएंगे, हर टीचर आपको इतनी बुक देगा ही वी स्मार्ट में। और स्पेशलिटी आपको बता दूं, वी स्मार्ट की एक बड़ी स्पेशलिटी है नोट्स। आप हमारे नोट्स को कभी भी किसी के साथ कंपेयर कर लेना, ये कभी भी बेटर क्वालिटी में मिलेंगे, बेटर कलर्स में मिलेंगे एंड बेटर प्रेजेंटेशन एंड डिजाइंस के साथ मिलेंगे राइट। एक चीज ये, तो ये हो गई ये बुक्स, आपको क्या क्या मिलेगी, आपको क्या क्या मैंडेटरीली कैरी करना है। पहला, कैलकुलेटर, ये एक मैंडेटरी आइटम है जो आपको कैलकुलेट करना है। मोबाइल से प्लीज बिल्कुल नहीं अलाउड है, आपको कैलकुलेटर चुपचाप ईमानदारी से लेके आना, पॉसिबल हो तो नॉन साइंटिफिक लेके आना, साइंटिफिक कैलकुलेटर्स काम का नहीं है आपके, नॉन साइंटिफिक कैलकुलेटर्स लेकर के आना। दूसरी चीज आपको लगेगा हाइलाइटर, हाइलाइटर। तीसरी चीज आपको लगेंगे मल्टी कलर पेन। सर मल्टी कलर पेन क्यों? क्योंकि आपने अब तक के समझ गए होंगे मेरा हैबिट है साथ साथ में पढ़ाते पढ़ाते लिखाते जाने का, कुछ पॉइंट्स पे आपको हाईलाइट करना है जो अमेंडमेंट्स होंगे और अलग कलर से भी उन्हें लिखना है राइट। तो ये, और सीधा सीधा 400 पेजेस का रजिस्टर, डीटी 400 पेज आपको लगता है हो जाएंगे, लगता है क्या होंगे या नहीं होंगे, फिर भी 400 पेज ले लेना, कंप्लीट हो जाएगा। अगर पहला लेक्चर आपको 6 पेज तक लेके आ सकता है तो अपने को अभी लंबा चलना है ठीक है। तो आपको 400 पेजेस का रजिस्टर स्ट्रेट अवे, 300 पेज 400 पेज जो भी रजिस्टर मिले ये लेके आ जाना राइट। इतनी चीजें लगने वाली है। सो बुक्स हो गया, ये हो गया, ये जो लेक्चर है जो लोग मई 20 दे रहे हैं उनके लिए भी है, जो लोग नवंबर 20 दे रहे हैं उनके लिए भी है। कुछ बच्चे हमसे और सवाल करते हैं, मैं वो भी क्लियर कर देता हूँ। पहली चीज, सर क्या हम डेली इतने ही स्लो जाएंगे एक एक वर्ड के लिए? हाँ, आप होशियार हैं, मैं एवरेज बच्चा हूँ,
मैं अपने आप को पढ़ाता रहता हूं, तो ऐसा हो सकता है। अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट बात, हम आपको एक दो दिन के लिए फ्री रख रहे हैं जब तक कि आप अपना पुणे में सेट नहीं हो जाते, लेकिन इसके बाद आपको शायद दर्शन सर ने भी बता दिया होगा और हमने भी बता दिया था, मैं एक बार वापस रिकॉल कर दूं, 5:45 के बीच, डिपेंडिंग अपॉन कौन सा सेक्शन चालू है, मैं कहीं ना कहीं ये लेक्चर आपको छोड़ूंगा। आपको 15-20 मिनट का ब्रेक होगा ताकि आप रिलैक्स हो जाएं, और उसके बाद ईमानदारी से यहीं बैठ के पढ़ना अगले 2 घंटे। वो इसलिए क्योंकि ये रिजल्ट ओरिएंटेड एक्टिविटी होती है। दैट इज, अगर आप यहां से फ्री हो गए तो पॉइंट क्या है, आधे इधर भटक आधे उधर भटक, पुणे की हवा में तैर, इसी से बेटर है। और देखो, तुम रूम में भी चले गए ना मेरे भाई, रूम में जाके पढ़ाई होने वाली नहीं है, उससे बेटर तुमको फ्री में यहां लाइब्रेरी सर्विस है, चुपचाप इधर आके बैठने का 2 घंटे, सुबह से लेके शाम तक जिस टीचर के पास तुमने क्लास की है उसका पूरा होमवर्क 2 घंटे में इधर ही कंप्लीट करना, जितना टीचर ने पढ़ाया आई थिंक 2 घंटे में तो आराम से रिवाइज हो सकता है, फटाफट रिवाइज करना, 7:30 बजे तुम फ्री हो, जो करना है करो, समझ में आई बात। एंड आपको अगर लेक्चर समझ में आया होगा, आपके कई दोस्त होंगे, आप उन्हें बोल दीजिए कल से लेके आ जाना उनको, क्योंकि कल से मैं चालू करने वाला हूँ टैक्स, हालांकि बेसिक सभी खत्म नहीं हुए, अभी तो एक बहुत बड़ा वर्ड बाकी है, इनकम, ठीक है, तो उनको कल का बेसिक पता होना चाहिए, इसी के लिए उनको भी लेकर के आ जाना। इज दैट डन मालिक? बाय बोलो बच्चों। एनी स्टूडेंट, एनी काइंड ऑफ डाउट, प्लीज कम।